बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की बोल श्री सदगुरु महाराज की श्री महामति कहे ए मोमिनो ए काजी के घर की भी तक बात अब कहो हादे की जिन खबर सुनी विख्यात जिन खबर सुनी विख्यात मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब प्रणाम जी सुंदर साद जी प्रणाधार सुंदर साद जी कल की चर्चा में हमने सुना वैश्विक शांति की स्थापना के लिए औरंगजेब के अंदर की धार्मिक कट्टरता को समाप्त करने के लिए और अक्षरातीत परब्रह्म के इस संसार में जाहिर होने की खबर को पहुंचाने के लिए सुंदरसाथ ने विभिन्न रूपों में परिश्रम और प्रयास किया औरंगजेब के पांचों दरबारियों पर पत्र पहुंचाए गए तब भी नहीं माने बात नहीं बनी तो गुसल खाने में रुक्का चिपकाया गया और उसके बाद भी माहौल नहीं बना ऐसी परिस्थिति नहीं बनी कि औरंगजेब तक बात पहुंच सके तो सुंदर साथ ने मिलकर के विचार विमर्श किया बारह प्रमुख सुंदर साथ तैयार हुए औरंगज़ेब के पास जाने के लिए सीधी लड़ाई के लिए और उनका साथ देने के लिए लालबाई श्याम बाई राम राय और अनंत राम ये चार सुंदर साथ तैयार हुए थे तो कैसे बारह मोमिन औरंगजेब के पास पहुँचे वहाँ क्या क्या घटनाएं हुई उन पर कैसे औरंगजेब की सेना ने अथवा औरंगजेब के सैनिकों ने जुल्म ढाया। इसकी चर्चा सुनी हमने कल आगे महामती श्री लालदास जी वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब सुल्तान के साथ में सुंदर साथ की मुलाकात की खबर को उस प्रसंग को जब श्री जी ने सुना कि मेरे द्वारा भेजे गए लोगों को अथवा मेरे संदेश लेकर के जो लोग गए थे ऐसे मेरे पैगंबरों को मेरे संदेशवाहकों को इन्होंने कष्ट दिया है तो उसको सुन के श्री जी को बहुत ही क्रोध आया क्योंकि सारी की सारी लीला हम पहले भी सुन चुके हैं कि अक्षरातीत की लीला नहीं हो रही हर बार अक्षरातीत श्रीराज जी उस तन में विराजमान है लेकिन जीव भी तो है वहाँ पर और जिन ब्रह्म मुनियों के साथ जिन ब्रह्म सृष्टियों के साथ में राज्य का वह प्रेम है जिनकी महिमा जिनकी प्रशंसा गाते हुए राज्य कहते हैं कि बड़ी बड़ाई इनकी जाके सिफत करे सुभान जिनके लिए अभी हमने वाणी गायन सुना था कि अब दुख ना दे फूल पंखड़ी देखो शीतल लेन जिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए राज्य कहते हैं कि मैं तुम्हें फूल की पंखुड़ी से जितना कष्ट होता है वह कष्ट भी नहीं दे सकता नहीं देना चाहता तो उन ब्रह्म मुनियों को उन ब्रह्म सृष्टियों को कोई अगर कष्ट दे तो वो कैसे सहन कर सकते हैं इसलिए श्री जी ने कहा कहते हैं भेजे इनो तिनको दिया कसाला जोर अब लिए कहाँ जाते हैं मारो इस हिसोर श्री जी कहते हैं अब ये जाहिरी मुसलमान मुझसे बच कर के कहाँ जाएंगे इनके शरीयत को इनकी कट्टरता को तो मैं मार कर ही रहूँगा समाप्त करके ही रहूँगा ऐसा श्री जी ने उस दिन जोश में भर करके बात कही और जिस दिन जिस समय श्री जी के पास ये खबर पहुँची थी तो औरंगज़ेब के इतिहास में ये बात मिलती है कि औरंगज़ेब सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है तो उसे अपने सिंहासन पर एक बब्बर शेर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है औरंगज़ेब के अलावा ये घटना और किसी को नहीं दिखाई पड़ती ये शेर किसी को दिखाई नहीं पड़ता है औरंगजेब कहता है कि मेरे सिंहासन पर शेर बैठा हुआ है तो वहाँ की उसके दरबारियों ने कहा कि बादशाह सलामत ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है यहाँ तो कोई शेर नहीं है आप विराजमान होइए औरंगज़ेब जैसे तैसे करके हिम्मत करके सिंहासन के पास तक पहुँचता है बैठने का जैसे ही प्रयास करता है वह शेर दहाड़ लगाता है घुर रहता है और उसकी दहाड़ को सुन करके और केवल औरंगज़ेब सुन रहा है और वो डर के मारे पीछे हट जाता है और लड़खड़ करके गिर जाता है उसके सिर से उसका जो ताज है वह गिर जाता है उस दिन से जब से औरंगजेब ऐसे गिरा उसी दिन से औरंगज़ेब का पतन भी होना शुरू हुआ क्योंकि उसको लानत लगी है मोमिनों के तरफ से क्योंकि जो मोमिन खुदा की बात लेकर के खुदा का संदेश लेकर के पैगाम लेकर के पहुंचाने गए हैं उनको औरंगजेब के सैनिकों ने कष्ट दिया है तकलीफ़ दी है तो तब से लानत लगी और धीरे धीरे औरंगजेब का सारा साम्राज्य खत्म होता गया दक्षिण में मराठे मराठा साम्राज्य का उदय हुआ शिवा शिवाजी महाराज के नेतृत्व में इधर मध्य भारत में छत्रसाल जी के द्वारा उन्होंने एक छोटे से छोटे से राज्य के द्वारा स्थापना की थी और धीरे धीरे उनका राज्य भी विस्तार होने लगा इधर पश्चिम पंजाब के तरफ सिखों के नेतृत्व में सिख साम्राज्य का उद्भव होने लगा और धीरे धीरे सिख साम्राज्य भी अपना पांव पसारने लगा और औरंगजेब की अंतिम अवस्था तक आते आते औरंगजेब का साम्राज्य केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के बिल्कुल छोटे से क्षेत्र में सिमट करके रह गया था और उसके एक दो पीढ़ी के बाद तो मुगल सल्तनत बिल्कुल ख़त्म ही हो गई तो जब से श्रीजी ने ये बात कही थी कि मैं इन शरीयती मुसलमानों को उखाड़ फेंकूंगा, तब से मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे करके पतन की तरफ चला गया अब कह रहे हैं जैसा मारना पैगंबर, तैसा तिन के दोस्त प्राचीन समय में या आज भी अगर देखा जाए कोई अगर राजदूत होता है राजा का संदेश लेकर के अगर जाता है तो राजदूत अगर कठोर भी शब्दों का प्रयोग करता है राजा के तरफ से तो राजदूत को दंडित नहीं किया जाता है क्योंकि वह संदेश लेकर के जा रहा है और राजदूत के संदेश को राजा के ही शब्दों का परिचायक माना जाता है इसीलिए राजा का आदेश मानकर कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था पहले उसी तरह से खुदा के पैगंबर को मारना खुदा के खुदा को मारने के बराबर हो गया और यहाँ कह रहे हैं जैसा मारना पैगंबर तैसा के दोस्त अब यहाँ पर श्रीजी स्वयं को खुदा का पैगंबर कह रहे हैं कि मैं मूल स्वरूप परमात्मा का आदेश लेकर के आया हूँ और मेरे दोस्तों को तुमने सताया है मेरे दोस्तों को पीड़ा पहुँचाई है तो पैगम्बर को पीड़ा पहुँचाना पैगम्बर को दुख देना अथवा उनके दोस्तों को दुख देना दोनों एक जैसी बात है और इसका गुनाह इसकी लानत लगेगी कह रहे हैं, सबों की लानत इन्हों पर लिखी अल्लाह कलाम पहले से ही धर्मग्रंथों में विशेष रूप से कुरान में ये बात लिखी गई थी कि ऐसे जाहिरी मुसलमान होंगे जो मुहम्मद से ही कहते हैं मुहम्मद से मुनकर हुए इन्हों छोड़ा दिन इस्लाम नाम से मुसलमान होते हुए भी नाम से इस्लाम के अनुयायी होते हुए भी इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया अर्थात इस्लाम के ये विरुद्ध हो गए क्योंकि कुरान में ये बात लिखी गई है कि जो काफिर होगा काफिर मतलब जिसके हृदय में जिसके दिल में बेईमानी होगी कुफ्र होगा कहते हैं खुदा उनका दोस्त नहीं है जिन्होंने कहते हैं खुदा ना दोस्त तिनका कि जो है काफिर जिनने ढापया हक को किया पर्दा सब ऊपर जिसने खुदा की ही बात को ढक दिया जिसने खुदा के संदेश को ही नज़रअंदाज किया उसको खुदा का दोस्त नहीं कह सकते वह मोमिन नहीं है वह सच्चा मुस्लिम नहीं है और ऐसे लोगों के खुदा कभी भी नज़दीक नहीं होता है ऐसे लोग खुदा से दूर ही होते हैं अब इस तरह से श्री जी ने वह प्रतिक्रिया जनाई कि सुंदर साथ के साथ में ऐसी घटना हो गई श्री जी ने अपना खेद भी प्रकट किया और उन सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए कि जो सुंदर साथ गए हैं जिनको तकलीफ हुई है जिनको कष्ट हुआ है सिर्फ सेवा के नाम पर समर्पण के नाम पर उन्होंने इतना त्याग किया है उन्हें भी अब समझाना है उन्हें भी सांत्वना देनी है तो उनके लिए श्री जी ने एक पत्र लिखा जिस पत्र को बीतक में बड़ी पत्री कहकर संबोधित किया है कि जब श्री जी ने पत्र लिखा श्री लालदास जी कहते हैं तब पाती लिखी हादिय ने करने खातिर जमा मोमिन खातिर करने का मतलब क्या होता है उनकी प्रशंसा करना अथवा उनकी बड़ाई करना तो उन ब्रह्म मुनियों की प्रशंसा के लिए और उनको सिखापन देने के लिए कहते हैं सिखापन सब विध की सुनियो दिल रोशन कि हर प्रकार का सिखापन दिया है इस बड़ी पत्री में उस समय के तत्कालीन जितने सुंदर साथ थे उन सब सुंदर साथ को और भविष्य में जो भी सुंदर साथ समर्पण की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं सेवा की राह पर आगे चल रहे हैं उन सभी ब्रह्म मुनियों के लिए सिखापन सब विद की हर प्रकार की सिखापन इसमें दी गई है जब श्री लालदास जी कहते हैं ए पाती दिल्ली में थे कैद में हम हम जब कैद में थे दिल्ली में और उस समय में जेल में नहीं डाला गया था काजी के घर में काजी शेख इस्लाम के घर में सब सुंदर साथ थे और निगरानी में रखे गए थे औरंगजेब के सैनिकों की निगरानी में थे और उनमें से भी शेख बदल जी को छूट दे दी थी क्योंकि उनको पता था आज भी जहाँ नज़रबंद होता है तो सबको बंदी रखना आवश्यक नहीं होता अगर एक परिवार के लोग हैं क्योंकि पता है अगर एक को छोड़ भी देंगे किसी कारण से आवश्यक कार्य के कारण तो उसको वापस आना ही है क्योंकि बाक़ी परिवार के सभी लोगों को छोड़ के तो कोई जाएगा नहीं इसीलिए शेख बदल जी को भी छोड़ दिया था बारह मोमिनों में होने के बावजूद भी उनको नज़र कैद से छूट मिली थी संदेश को ले जाने की और ले आने की तो कान जी और शेख बदल ये दोनों श्री जी के पास जाते हैं श्री जी को ब्रह्म मुनियों का संदेश सुनाते हैं और श्री जी से चिट्ठी लेकर के आते हैं कह रहे हैं लड़ाई के बखत में उल्टी भई फतेह फतेह का मतलब विजय प्राप्त करना जीतना लेकिन उल्टी विजय का मतलब है हार जाना हार जाने का तात्पर्य क्या है कि जिस उद्देश्य के साथ में गए थे सुंदर साथ ने ये सोचा था कि हम औरंगजेब को प्रबोधित करेंगे औरंगजेब को हम समझा लेंगे गए तो सही लेकिन औरंगजेब प्रबोधित नहीं हो पाया उसकी जागनी नहीं हो पाई इसलिए उसको उल्टी फतेह होना लिखा है तब सुंदर साथ को सांत्वना देना है सुंदर साथ को धीरज बंधाना है इसलिए श्री जी ने ये पत्र लिखा और अपने हाथों से दस्तखत करके अपने हाथों से हस्ताक्षर करके उन्होंने भेजा और उसकी बात बताने जा रहे हैं श्री लालदास जी आगे की चौपाइयों के माध्यम से अब आगे जो भी बात होंगी तो वहाँ श्री जी के तरफ से जो बात लिखी गई थी उस पत्र में उसका वर्णन यहां पर करने जा रहे हैं बीच बीच में कहीं कहीं पर प्रसंग बदल रहा है कहीं कहीं पर सुंदर साथ के कथन को भी दर्शाया गया है अन्यथा इसमें अधिकतम श्री जी के सिखापन को ही दर्शाई गई है इस प्रकरण में अब श्री जी कह रहे हैं कि मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार कभी हम विचार कर सकते हैं हमारे मन में ये विचार आ सकता है कि हम ब्रह्म सृष्टि तो राज्य को प्राणनाथ कहते हैं के प्राण के प्रियतम कहते हैं लेकिन राज्य ब्रह्म सृष्टियों को प्राण के प्रियतम कह रहे हैं क्यों कारण स्पष्ट है सरल है बहुत अधिक इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर इस माया में राज्य की पहचान होने के बावजूद भी हम उनसे इतना प्रेम नहीं करते फिर भी हम शब्दों से उनको प्राण के प्रियतम कह रहे हैं सोचिए राज्य कितना प्रेम करते हैं हमने अपने दावे को अपने वादे को कदम कदम पर तोड़ा है कदम कदम पर हमने स्वयं को गलत साबित किया है लेकिन राज्य ने तो हर जगह पर अपना प्रेम निभाया है इसलिए वो ब्रह्म सृष्टियों को कह सकते हैं कि तुम मेरे प्राण के प्रियतम हो जैसे सूर्य के बिना किरणों का कोई अस्तित्व नहीं वैसे ही किरणों के बिना सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोनों एक दूसरे के अरस परस हैं जैसे राज्य हमारे प्राण के आधार हैं वैसे ही हम ब्रह्म सृष्टियाँ भी राज्य की प्राण प्रिया हैं इसलिए तो आनंद सागर में कहा प्राण रूपा प्रिया सर्वा तासाम अक्षरात अक्षरात्पर तेनासो ही नामना प्राणनाथो ख्यात प्रियस्वर अगर हम उनको प्राणनाथ कहते हैं प्रियस्वर कहते हैं तो जी भी हमें प्राण के प्रियतम कह रहे हैं और कहते हैं मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार है मेरे सिरदार सिरदार मतलब आगेवान प्रमुख सुंदर साथ है ब्रह्म मुनियो आप क्या हो कहते हैं आत्म के आधार हो आप तो मेरी आत्मा के आधार हो और मेरे जीव के जीवन हो मेरे प्रेम भिने श्री साथ जी आप सब श्री जी के द्वारा सुंदर साथ को किए गए संबोधन को देखिए और हमें भी सुंदर साथ के लिए अपने हृदय में ऐसा ही प्रेम लेकर के आना चाहिए ये सिखापन हम इस प्रसंग से लेंगे कहते हैं मेरे प्रेम भिने श्री साथ जी मेरे साँचे सुरधीर आप सब सच्चे सूर हो सच्चे वीर हो और धैर्यशाली हो धैर्यशाली किसे कहते हैं जो सुख में दुख में लाभ हानि में समान स्थिति धारण करे सम रहे सम अवस्था में रहे उसको धीर कहा जाता है तो यहाँ पर उन सब सुंदर साथ को धीर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले उनको ये चाहना थी उनके हृदय में ये इच्छा थी उम्मीद थी कि औरंगजेब को हम जगा पाएंगे तो वो जोश के साथ में गए थे औरंगजेब की जागृति नहीं हो पाई तब भी वो जोश में ही हैं अभी उनका जोश कम नहीं हुआ है इसलिए उनको धीर कह रहे हैं कहते हैं पाँव भर दिखावत रूहों को कि आप सब तो ऐसी ब्रह्म सृष्टियाँ हैं ऐसे ब्रह्म मोमिन हैं कि आपने ब्रह्म सृष्टियों के लिए आगे आने वाले सुंदर साथ के लिए पाँव भर के दिखाया पाँव भर के दिखाने का मतलब है कि आगे रास्ते रास्ता चल करके दिखाया है आपने अग्रगण्य बनकर के आने वाले सुंदर साथ के लिए रास्ता बनाया है तुम बैठे हो हक्के तीर आप सब तो राज्य के निकट बैठे हैं नजदीक बैठे हैं उनकी मेहर की छत्र छाया में बैठे हैं कहते जिन लज्जा बैराट बाधिया तीन लज्जा दिया सिरभान औरंगजेब के पास जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा मुसलमानों का वेश धारण करके जाना पड़ा कोई भी आज के समाज में उस समय जहां मुसलमानों के लिए इतनी घृणा थी उनका वेश धारण करके जाना बहुत बड़ी बात थी कोई उनका वेश धारण करके जाना नहीं चाहता था जाने की तो बात दूर की है उनका वेश कोई धारण करना भी नहीं चाहता था लेकिन कह रहे हैं जिन लज्जा वैराट बाध्य जिस लोकलाज मर्यादा ने संसार को बांध रखा है आज स्थिति क्या है और तब भी कि लोकलज्जा के भय से लोक लाज मर्यादा के भय से कोई भी लोग इस तरह से अध्यात्म की राह में समर्पण की राह में आगे नहीं बढ़ पाते थे तो उस लज्जा को उस शर्म को सुंदर साथ के लिए श्री जी कह रहे हैं तीन लज्जा दिया सिर भान इस लोकलाज मर्यादा का सिर तुमने तोड़ दिया है मतलब उस बंधन को तुमने तोड़ दिया और उस बंधन को तोड़ करके लोकलाज मर्यादा का सिर भान करके तुमने, तुमने सुंदर साथ का सिर ऊंचा किया है सब साथ का सिर ऊंचा किया सो हुई तुम्हें पहचान तुम्हें राज जी की जो पहचान हुई है उसके कारण ही यह संभव हो पाया है कहते हैं आपोपा निशंक डारिया बिना शंका के बिना किसी शक के संशय के आपने अपने आप को न्योछावर कर दिया क्योंकि जहाँ कहीं भी संशय होता है संशय की अवस्था में कोई भी समर्पण नहीं कर पाता है समर्पण और संशय दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते क्योंकि कोई व्यक्ति समर्पण तब कर सकता है जब उसके ऊपर सामने वाले के ऊपर उसको विश्वास हो पूर्ण विश्वास हो बिना यकीन के बिना दृढ़ विश्वास के कोई समर्पण नहीं कर सकता है तो आपने इस संशय को छोड़ दिया है कहते है, मेरे साथ सब शोभा आप सभी सुंदर साथ हर प्रकार की शोभा को पाने योग्य हैं एक दूजे से शिरोमन और आप बारह सुंदर साथ और आप जितने भी सुंदर साथ वहाँ सेवा और समर्पण की राह में आगे बढ़ रहे हैं सभी एक दूसरे से बढ़कर हैं कोई किसी से कम नहीं है आगे कदम धरे इन भोग इस कार्य के लिए जिन सुंदर साथ ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया है आप सब सुंदर साथ एक दूसरे से आगे हैं सभी सुंदर साथ का नाम लिया श्री जी ने के साथ समस्त भाई लक्ष्मण भीम नागजी चिंतामणि दयाराम चंचल गंगाराम बनारसी हिमाई भाई अनंत राम लाल भाई श्याम भाई राम राय इन सभी सुंदर साथ का नाम लिया आगे आने वाली चौपाइयों में और कहते हैं और साथ समस्त सूरधीर और जो लड़ने वाले इन समय इस समय में प्रत्यक्ष रूप से जो औरंगजेब के दरबार में जाकर के समर्पण किया और परोक्ष रूप से उन सब सुंदर साथ का जिन्होंने समर्थन किया समर्पण और समर्थन करने वाले दोनों सुंदर साथ को कह रहे हैं कि आप जितने भी सुंदर साथ हैं उन सबको कहते हैं वे सब श्रीराज के चरण तले रहियो आरोग्य तुम आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों की छाया में आरोग्यपूर्वक रहना मतलब सुखी रहना स्वस्थ रहना सुख समाधान आनंद मंगल की ये पाती लिखी हम हमने आप सबके सुख के लिए आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए और आपके हृदय को आनंद देने के लिए हमने ये पाती लिखी है आप सब सभी सुंदर साथ इस बात को ध्यान में रखना कि आप सब के ऊपर दृष्टि तुम पर श्रीराज की हो जो सदा संकुल आप पर राज्य की मेहर है आप पर राज्य की कृपा दृष्टि है इसलिए आप हमेशा शांति से रहना संकुल रहना दिख लिखी वे जो मजलें सो साथ का मूल पहले से ही सुंदर साथ के विषय में उन ग्रंथों में ये बात लिखी गई थी कि ऐसे मोमिन होंगे खुदा की राह में कुर्बानी करने वाले तो ये सब सुंदर सात का मूल है सुंदर सात का मूल कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी सुंदर सात स्वयं को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं ब्रह्म मुनि कहते हैं उन सबके लिए उन सबके हृदय में समर्पण होना आवश्यक है ये एक मूल लक्षण है ब्रह्म सृष्टियों का मूलभूत लक्षण है कि अगर कोई ब्रह्म सृष्टि है कहते हैं ना कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उल अंग तो मोमिन होने का मूल लक्षण ही कुर्बानी है और इस बात को आप ध्यान में रखना कहते हैं इंद्रावती की वासना में लिखी प्रणाम कोटान कोट में करोड़ों बार आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ उसको आप स्वीकार करना अभिधारियों तीन को लीजो धनी की ओट और आप धनी की ओट लेना ओट लेने का तात्पर्य है उनकी छत्र छाया में रहना अब कहते हैं ऐ श्रीराज की दया से मिल भेला होएगा साथ अब आप लोग किसी को जगाने के लिए तो गए थे साकुमार को जगाने के लिए गए थे संभव नहीं हो पाया राज्य की मेहर से ये काम भी हो जाएगा तब सुख समाधान आनंद होए धनिये पकड़े हाथ जिन ब्रह्म मुनियों का हाथ धामधनी स्वयं पकड़ते हैं वे इकट्ठा होंगे और तब वास्तव में सुख होगा इस ऐसी सारी समस्याओं का शंकाओं का समाधान होगा और अभी के लिए हम आप सब सुंदर साथ के सुख समाधान आनंद के लिए ये पार्टी लिख रहे हैं आप सब की जो हकीकत थी आपने जैसा कष्ट झेला इन सब के विषय में कहते हैं तुम्हारी हकीकत सब कहीं भाई बदले शेख बदल जी ने आपकी सारी घटना मुझे बताई है और ये बात तो ये नहीं बताते तब भी हमें पहले से ही मालूम था कि ये जो मूल से कही सो भई सब मालूम कुरान को पढ़ करके के हमें ये मालूम चल गया था कि बड़ा जुद्ध किया दज्जालें तैसा लिखा रसूल वास्ते तुम रसूल साहब ने मोहम्मद साहब ने कुरान में ये जो बात लिखी गई थी कि जो सच्चे मोमिन होंगे वो दज्जाल से लड़ाई करेंगे तो दज्जाल के साथ लड़ाई तो होनी ही थी और ये बातें मोहम्मद साहब ने आप सब के लिए ही लिखी थी और जैसा उन्होंने लिखा था कुरान के अंदर वैसा ही युद्ध हुआ तैसा ही ये युद्ध भया और भी होएगा इत अब यहाँ से इस चौपाई से बीसवीं चौपाई के बाद छठे दिन के मोमिनों के लिए सिखापन शुरू हो जाती है पांचवें दिन में जिन सुंदर साथ ने समर्पण किया ये जो बारह मोमिन है प्रत्यक्ष रूप से कारण तो है ही लेकिन यहाँ से हम सब सुंदर साथ को संबोधित कर रहे हैं कहते हैं तैसा ही ए युद्ध भया और भी होएगा इत मतलब आगे भविष्य में भी ऐसी लड़ाई होगी माया के साथ हाँ रूप अलग अलग हो सकते हैं कभी औरंगजेब के रूप में दज्जाल आ सकता है माया आ सकती है जाहिरी शरीयती लोगों के रूप में कभी किसी और रूप में आ सकती है माया तो अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों में माया के भिन्न भिन्न रूप होते हैं इनको हमें समझना होगा कि दज्जाल का रूप क्या है अगर कोई सुंदर साथ सरल शब्दों में ये जानना चाहे कि दज्जाल माया किसे कहते हैं तो सरल शब्दों में एक बात एक वाक्य आप ध्यान में रख लीजिए कि ब्रह्म सृष्टियों को अगर आप ब्रह्म सृष्टि का दावा रखते हैं तो ये समझिए कि ब्रह्म सृष्टि को ऐसा कोई भी साधन ऐसा कोई भी कारण चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो कोई आपका प्रिय मित्र हो चाहे कोई भी हो तो कोई भी ऐसा पदार्थ वक, व्यक्ति अथवा वस्तु ब्रह्म सृष्टि को राज्य से दूर करता है या राज्य से दूर होने का कारण बनता है तो वह दज्जाल का स्वरूप है और ये कोई भी हो सकता है कोई भी का तात्पर्य क्या हमें क्या लगता है कई बार कि किसी घर में अगर एक व्यक्ति ने ले रखा है ये एक सामान्य सी घटना है और कई बार हो जाती है ये बात कि किसी एक घर में एक व्यक्ति ने तारतम लिया और बाकी सब लोग सुंदर साथ नहीं है तो वो व्यक्ति क्या सोचता है कि ये माया का रूप है मेरे जो परिवार के लोग हैं ये माया का रूप है ये दज्जाल का स्वरूप है अगर कभी ये ये चार पांच जो लोग हैं उसके परिवार के उनको किसी कार्यक्रम में जाने से रोकते हैं अथवा वाणी पढ़ने के समय में किसी न किसी रूप में वो तंग करते हैं परेशान करते हैं तो उनको लगता है कि ये माया का स्वरूप है कितना अच्छा होता कि अगर मेरे घर के सभी लोग सुंदर साथ होते ये सामान्य सी बात है लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जिस घर में अगर कोई सुंदर साथ हो चार लोग या पांचों लोग या परिवार के सारे लोग सुंदर साथ हों तो वो दज्जाल का स्वरूप नहीं है ये जरूरी नहीं है कभी कभी जिनको हम सुंदर साथ कहते हैं वो भी माया का स्वरूप बन सकते हैं दज्जाल का स्वरूप बन सकते हैं कैसे तारतम तो ले रखा है इस दृष्टि से हम सुंदर साथ कहते हैं ना हम कहने को तो उसे सुंदर साथ कहते हैं जिन्होंने तारतम ले रखा हो तो लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने तारतम ले रखा हो वह व्यक्ति भी आपको अगर राज्य की राह में बढ़ने से रोक रहा है मान लीजिए उदाहरण के लिए कई बार क्या होता है कि दो सुंदर साथ में आपस में घनिष्ठता हो जाती है और घनिष्ठता होने के पीछे कारण क्या होता है मैं इस बात को बिल्कुल सूक्ष्मता के साथ में बता रहा हूँ आप लोग ध्यान रखना इस बात को सभी सुंदर साथ को ये बात ये तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि दो जैसे चाहे दो पुरुष सुंदर साथ हो चाहे दो महिला सुंदर साथ हो या फिर पुरुष और महिला हो अलग अलग हो सुंदर साथ बनते हैं और शुरुआत में राज्य की बातों से ही शुरुआत करते हैं ऐसी घटनाएं मैंने कई बार देखी है आपस में सुंदर साथ के बीच में तो राज्य की बातें करते 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 उनमें आपस में घनिष्ठता हो जाती है दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं अब ऐसा तो नहीं कि ये परमहंस अवस्था में पहुंच चुके हैं चौबीसों घंटे बात करेंगे तो राज्य की बात करेंगे ये तो ज़रूरी नहीं है ना तो राज्य की बात करते करते कभी परिवार की हालचाल अगर पूछते हैं तो परिवार की बातें होने लगती है फिर धीरे धीरे करके वो जैसे उस दिन हमने रक्तबीज का रक्तबीज की बात की थी कि एक माया के विषय से दूसरे माया के विषय में कैसे पहुंच जाते हैं तो बातें चलते चलते प्रसंग कहीं दूसरी तरफ पहुंच जाती है फिर धीरे धीरे करके एक दिन दो दिन तीन दिन करते करते अब थोड़ी राज्य की बातें होने लगी शुरू में ज़्यादातर राज्य की बातें हो रही थी फिर धीरे धीरे करके राज्य और माया की दोनों की बातें होने लगी फिर कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि दोनों का स्तर तो एक जैसा नहीं होता है ना तो एक का अगर ध्यान में बैठने का मन करे कि अब सुंदर सात जी अब फोन रखते हैं अब हम ध्यान में बैठने जा रहे हैं तो दूसरा सुंदर सात अब पहले राज्य की बातों से शुरुआत हुई लेकिन उसको राज्य में आनंद नहीं आ रहा है जो व्यक्ति राज्य की बातें कर रहा है उन बातों में उसको जब आनंद आने लगता है तो ये भी माया का स्वरूप है बातें तो राज्य की हो रही है लेकिन वह राज्य से ही अगर दूर कर रही है राज्य से बातें करते करते राज्य की बात नहीं कर रहे हैं यह राज्य से बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ राज्य के नाम को हम शब्दों में उच्चारण कर रहे हैं और उन वे शब्द हमको प्रिय लग रहे हैं और शब्द कहने वाला अगर प्रिय लग रहा है जिसके कारण हम राज्य से ही कई बार विमुख हो जाते हैं तो ये भी माया का स्वरूप है ये भी दज्जाल का स्वरूप है तो इसलिए दज्जाल भिन्न भिन्न भिन रूपों में आ सकता है आप सोच लीजिए इतना दृढ़ विचार कर लीजिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप जिनको गुरु कहते हैं सदगुरु के मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो जागृत अवस्था में पहुँच चुके हैं लेकिन जिन लोगों को अथवा जिन व्यक्तियों को आप गुरु कहते हैं आपको ज्ञान देते हैं कई बार लेकिन अगर आप ध्यान में बैठना चाहते हैं कभी अंदर से आपको ध्यान में बैठने का मन करता है लेकिन आपके गुरु ही आपको अगर कहते हैं कि अभी ध्यान में मत बैठो अभी मेरा ये काम कर दो तो वो गुरु भी उस समय में माया का दज्जाल का स्वरूप है क्योंकि वो आपसे आपको राज्य से अथवा राज्य को आपसे दूर कर रहे हैं सीधा तात्पर्य ये है कि जो भी हम सब सुंदर साथ को राज्य से दूर करता है राज्य की सेवा से दूर करता है तो उसको आप समझ लीजिए कि ये माया का स्वरूप है और एक और बात कभी कभी सेवा भी माया का स्वरूप बन जाती है कभी कभी कैसे मान लीजिए आप कोई कार्य आप करते हैं जिस कार्य में आप निपुण हैं लेकिन आपको ध्यान में बैठने का मन कर रहा है वाणी पढ़ने का मन कर रहा है अब कोई व्यक्ति आपके पास आकर के कहता है कि ये सेवा कर दीजिए तो उस इस समय में आप क्या करेंगे फिर तो कभी कभी वो भी माया का स्वरूप बन जाती है इसलिए जो भी आपको राज्य से दूर करे मेरे विचार से ये माया का स्वरूप है और दज्जाल का स्वरूप है यहां कह रहे हैं कि माया के बहुत सारे स्वरूप हैं बड़ा युद्ध किया दज्जाले तैसा लिखा रसूले वास्ते तुम रसूल मुहम्मद साहब ने ब्रह, हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही ये बात लिखी है अब कह रहे हैं कि ऐसा युद्ध अब हो गया है आगे भी होने वाला है लिखे माफक होएगा ए जानो मुकदमा कयामत। ये कयामत का मुकदमा है मतलब कयामत होने के ये चिन्ह है दज्जाल से लड़ाई होने की शुरुआत हो जाए तो ये कयामत होने के चिन्ह है उसकी निशानी है कहते हैं और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल अभी तो ये जाहिरी मुसलमान आपकी बातों को नकार रहे हैं मान, रहे, मान नहीं रहे हैं लेकिन आखिर में ऐसी अवस्था आएगी कि आपके बोल ही आपके शब्द ही सर्वोपरि माने जाएंगे हकीकत ये समझियो आपन माया सु हुए बेजार इस वास्तविकता को आप सब सुंदर साथ समझना कि अभी हम माया से दुखी हो गए हैं माया के काम से हम दुखी हो रहे हैं माया परेशान कर रही है इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं और क्या सोचते हैं दुखी होने का प्रमुख कारण क्या कहते हैं सीता भी काम क्यों ना होते हैं हम सब सुंदर साथ इस बात से दुखी है कि ये जल्दी से जल्दी जागनी क्यों नहीं हो रहा है लोग जग क्यों नहीं जाते लोग समझते क्यों नहीं है सब मिल क्यों न होत तैयार सीता भी काम क्यों न होत है सब मिल क्यों न होत तैयार श्री जी कह रहे हैं कि हम सब सुंदर सा दुखी इसलिए हो रहे हैं कि हमें ये चाहना है ये उम्मीद है कि सब लोग हमारी बात को शीघ्रता से मान जाएंगे और ये उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम माया से बेजार होते हैं दुख होते हैं दुखी होते हैं लेकिन कहते हैं हे भाइयों भाई का मतलब यहाँ पर सिर्फ पुरुष सुंदर साथ के लिए संबोधित नहीं किया है भाई सभी के पहले ही कहा था कि कहे मोहम्मद मेरे भाई तो ब्रह्म मुनियों के लिए भाई की संज्ञा दी है कहते हैं पर भाई ये काम बहुत बड़ा तुम जान ये काम इतना आसान नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं कि सीता भी काम क्यों ना होते है आपको लगता है कि ये काम जल्दी से क्यों नहीं हो जा रहा है लेकिन ये काम तो बहुत ही बड़ा है इतना बड़ा काम है ये कि इतने बड़े काम को करने के बाद भी अजू न तुम्हारे मन आपके मन में ये ज़रा सा भी अहम नहीं आया है आपके मन में थोड़ा सा भी ये नहीं लगा कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया है इस बात का जरा सा भी घमंड आपको छू नहीं पा रहा है तुमको हल्का लगत है हे बात बड़ी मोमिन यही तो मोमिनों की पहचान है ब्रह्म की यही पहचान है कि इतना बड़ा कार्य करने के बावजूद भी उनको लगता है कि हमने बड़ा काम नहीं किया है ये विनम्रता ही आपका लक्षण है तो हम सब सुंदर साथ जो आज छठे दिन की लीला में हम क्या करते हैं कई बार एक व्यक्ति को अगर हमने किसी तरह से प्रबोधित किया एक व्यक्ति को जोड़ लिया तो हम ढिंडोरा पिटाते हैं कि इस व्यक्ति को हम लेकर करके आए हैं इस व्यक्ति को हमने प्रबोधित किया है इसको हम अन्य तारतम ज्ञान सुना है लेकिन ये मोमिनों की रीत नहीं है ये छोटी छोटी बातों पर घमंड करना अहम करना कहते हैं तुमको हल्का लगत है हे बात बड़ी मोमिन राज्य ब्रह्मवाणी में समस्त ब्रह्म सृष्टियों को सिखापन देते हुए कहते हैं कि जो कोई मारे इन दुश्मन को दज्जाल माया रूपी दुश्मन को जो कोई मारे इन दुश्मन को करे सब दुनिया को आसान पहुंचावे सबों चरण धनी के तो भी लेना न तीन गुमान अगर आप समस्त संसार के लोगों को भी माया से हटा करके ज्ञान दृष्टि से राज्य दिखा देते हैं राज्य से जोड़ देते हैं तब भी उस बात का घमंड नहीं करना चाहिए उसी बात को यहाँ पर श्री जी कहते हैं और आगे कहते हैं एते दिन इन जहान में आपने कितना बड़ा काम किया है उसकी प्रशंसा करते हुए श्री जी कहते हैं एते दिन इन जहान में बहुत डरते लेते नाम इन मुसलमानों का नाम लेते हुए भी लोग डरते थे औरंगज़ेब का नाम लेने से तो बड़े बड़े राजा भी कांपते थे जिनके पास सैकड़ों हज़ारों की फ़ौज होती थी वे भी औरंगज़ेब का नाम लेने से डरते थे उसका विरोध करने से डरते थे वो सोचते थे कि हमको गर्दन मारेगा लेते नाम इमाम और अगर हम इमाम मेहदी का नाम ले लेंगे हम कुरान का नाम ले लेंगे तो ये जाहिरी मुसलमान और ये औरंगज़ेब शरीयी ये हमें काट डालेगा मार डालेगा ऐसा कह करके डरते थे और हम स्वयं भी आपने हिम्मत की इतना बड़ा काम किया नहीं तो हम भी तो छिप छिप करके रह रहे थे कभी लाल दरवाजे में रहते हैं कभी किसी के हवेली में जा कर के रहते हैं कभी चांदनी चौक में जाते हैं कभी किसी जगह पे जाते हैं दिल्ली में ही चार पांच जगह पे छिप छिप करके रह रहे हैं कभी कामा पहाड़ी में जा कर के रह रहे हैं अभी भी दिल्ली से बाहर हैं श्री जी कहते हैं आपन छिप छिप रल झलते फिरते थे सब ठोर आपने तो इतना बड़ा काम किया है कि जिनसे सब लोग डरते थे कि ये मार डालेगा सब छिप छिप करके रहते थे अब तुम जाहिर भय लश्कर मोहम्मदी करो शोर आपने तो शोर कर दिया है नाम लेने से लोग डरते थे आपने शोर मचा दिया है मोहम्मद का अब तुम इन जैसे होए के बैठे इन अंदर आपने इन जैसे होकर के का मतलब मुसलमानों की ही वेशभूषा धारण करके इनके जैसे होकर के इनके बीच में आपने प्रवेश किया और फिर इनके ही घर में जा कर के कहते थाना मेहंदी का थापिया पहले इमाम मेहंदी का नाम लेने से डरते थे आपने इमाम मेहंदी के स्थान की ही स्थापना उन्हीं के घर में घुस कर के कर दी है इतना बड़ा आपने काम किया है जब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर आपने अपनी फौज मतलब ब्रह्म सृष्टियों की पहचान इसको आपने जाहिर किया और अब भविष्य में आपके द्वारा किए गए इस समर्पण के फलस्वरूप इस बलिदान के इस त्याग के फलस्वरूप गांव गाम शहर शहर थाने थाने जाहिर होवे इन पर प्रत्येक गांव में प्रत्येक शहर में और प्रत्येक स्थान में ये बात जाहिर हो जाएगी और अब आपके समर्पण के फल स्वरूप कहते हैं अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए आपने जो कुर्बानी की है इसके कारण आपका तेज तेज का मतलब आपकी यश आपकी कीर्ति पल पल बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे करके कहते हैं बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों को पहुंचाए है और आपके यश का प्रकाश आपका गौरवमयी जो कार्य है आपके द्वारा किया गया गौरवमय बलिदान है समर्पण है उसका जो प्रकाश है उसकी रोशनी बढ़ते बढ़ते सभी लोगों तक पहुंच जाएगी और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल आपकी कला जैसे ही जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटती घटती घट ही उड़ जासी ख्वाब अकल धीरे धीरे करके एक एक करके दज्जाल की कला घटती जाएगी और ऐसे घटेगी कि एक दिन दज्जाल बिल्कुल समाप्त ही हो जाएगा क्योंकि आपको अक्षराती श्रीराज जी ने अंदर की दृष्टि दी है और दज्जाल की दृष्टि कैसी है हमने कयामत के निशान को सुनते हुए कहा था दज्जाल कैसा है काना है काना मतलब एक ही है, एक ही दृष्टि केवल बाहरी दृष्टि ही दज्जाल की खुली है कहते हैं दृष्ट दज्जाल की बाहर तुमको दई दृष्ट अंदर आपको राज्य ने अंदर की दृष्टि दी है तुम ऊपर उतरा असराफिल शब्दों इन ऊपर और असराफिल का जो ज्ञान है असराफिल का ज्ञान मतलब जागृत बुद्धि का जो फरिश्ता है वह आपके ऊपर अवतरित हुआ है आपके लिए अवतरित हुआ है इनके लिए तो केवल शब्द हैं और ये जाहिरी शब्दों को पढ़ कर के ही बुद्धि आपके पास है लेकिन इनके पास तो केवल शब्द का ज्ञान है शाब्दिक ज्ञान है इसलिए जब ये काना दज्जाल सुनते हैं तो सोचते हैं कोई ऐसा दज्जाल होगा जो बहुत बड़े गधे पर सवार होगा इसलिए ये जाहिर मुसलमान नमाज पढ़ते हुए इधर उधर देखा करते हैं गर्दन घुमाते हैं दोनों दिशा में कि कहीं दज्जाल तो नहीं आ रहा है ये पश्चिम से मगरिब से सूर्य उगने को सच मान लेते हैं और प्रतिदिन देखते हैं कि सूरज कहाँ से उगा है कयामत के दिन मुर्दे उठने का वर्णन है ये जाहिरी मुसलमान केवल बाहर से शब्दों को देख करके रोज अपने कब्रिस्तान में जा कर के क्योंकि ये कब्र बनाते हैं ये सोचते हैं कि सच में कयामत के दिन मुर्दे उठेंगे तो अपने पूर्वजों को अपने पुरखों को जा कर के देखते हैं कि आज मुर्दे उठे कि नहीं उठे बीच बीच में जाकर के जाँच करते रहते हैं तो इनके पास केवल शब्दों का ज्ञान है ये मगरिब से सूरज उगने को कब्र से मुर्दा उठने को अर्ज जानवर को काना दज्जाल को जाहिर ही मान लेते हैं और शब्दों को देखते हैं जबकि जागृत बुद्धि आपके ऊपर आई है और एक समझियो तुम दज्जाल से जुद किया भली बांथसो सो सब हुआ हुक्म राज्य के हुक्म से ये काम हुआ है राज्य के हुक्म से आपने इतना बड़ा काम किया है तुम युद्ध करते रहियो तुमको लोचन दिए अनंत दज्जाल की तो सिर्फ एक ही आंख है वो भी बाहर की आंख है अंदर की आंख तो फूटी हुई है और आपको राज्य ने लोचन लोचन कहते हैं नेत्र दृष्टि नजर आंखें राज्य ने आपको अनंत दृष्टि दी है और दज्जाल की एक आँख आखिर इनको अंत इसकी तो एक ही आँख है इसलिए इनका तो अंत होना निश्चित है दज्जाल का अंत तय है उसका खात्मा होना निश्चित है और दज्जाल की लड़ाई में दज्जाल को क्या बताया है दज्जाल को बता रहे हैं ये जंगली सुअर की तरह है दज्जाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट सुअर की चोट कैसी होती है जंगली सुअर की आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा जंगली सुअर की ना लगभग बाकी सभी जानवरों की ये गर्दन में एक जॉइंट्स होती है एक जोड़ होती है जिसके कारण वो इधर उधर देख पाते हैं एक गैड़ा होता है वो नहीं देख पाता है पीछे नहीं मुड़ पाता उसको बहुत बड़ी जगह चाहिए और ये जंगली सुअर उसकी भी ऐसी स्थिति है तो जंगली सुअर जब भी हमला करता है इसकी गति बहुत तेज़ होती है इसकी गति ही इसका हथियार है और इसके वो दो दांत निकले होते हैं जंगली सुअर के जो बहुत मजबूत होते हैं और इसके विषय में एक लोकोक्ति ये कहते हैं कि अगर इसको आप बंदूक की गोली से इसको मारने का प्रयास करेंगे तो एक गोली आप मारेंगे अगर लग गया तो ठीक है और अगर नहीं लगता है तो दूसरी गोली चलाने से पहले वह आप तक पहुंच जाता है ऐसा बोलते हैं जंगली सुअर की गति इतनी तेज़ बताते हैं अब कितनी तेज़ होती है मैंने कभी नाप करके नहीं देखा है लेकिन बहुत तेज़ गति से वो दौड़ता है तो उसकी जो गति है वही इसका खुद का हथियार है लेकिन वो इधर उधर मुड़ नहीं पाता है कह रहे दज्जाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट अब ऐसा कोई जानवर आप पर हमला करेगा जो मुड़ नहीं पाता है लेकिन पूरी तेजी के साथ में आपकी तरफ आ रहा है तो आप क्या करेंगे पहले उस जिस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा है जिस दिशा में उससे थोड़ा सा हट जाएंगे तो वो सीधे पीछे चला जाएगा फिर उसकी पीठ में इसकी पीठ बहुत कमज़ोर होती है तो इसकी पीठ पर अगर आप एक बार भी बहुत जोर से प्रहार करेंगे तो वो मर जाता है कहते हैं दज्जाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट क्यों लड़ाई इनसो आखर धनी की ओट लोग कहते हैं जो जंगली सुअर से बच कर के आए होते हैं या जो इनका शिकार करने वाले लोग हैं ये कहते हैं कि अगर जंगली सुअर आप पर हमला करें तो एक वृक्ष के चारों तरफ आप घूमते रहेंगे तो वो जंगलेश्वर आपको कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको घूमने के लिए बहुत बड़ी जगह जगह चाहिए होती है तो आप एक वृक्ष का ओट लेकर के आप बच सकते हैं आराम से वैसे ही कह रहे हैं क्यों लड़ाई इनसो आखर आखिर धनी की ओट जब दज्जाल की लड़ाई हो रही है सीधे तरह से तो आप धनी का ओट लीजिए धनी की ओट लेकर के ओट का मतलब उनकी उनके सहारे उनकी छत्र छाया में आप रहिए उनकी छ छा, छत्र छाया के तले आप अगर रहेंगे तो दज्जाल की चोट आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अब कहते हैं सो चोट पहले बचाइए आप पहले उनके प्रहार को बचाइए और पीछे घाव मारो पीठ पर और आप इसके पीठ पर प्रहार कीजिए क्योंकि मरो न सके कांध को लड़ ना सके, सके क्यों कर जब ये अपने कंधे को मोड़ ही नहीं सकता तो ये आपसे लड़ भी नहीं सकता इसीलिए आपने क्या किया कहते हैं सो तो तुम बचाए लई अब होए तुम्हारे कदमों लोटपोट जाहिरी मुसलमानों से लड़ाई आपको बचानी थी आपने लड़ाई आप आपने उसके प्रहार को बचा लिया आप उनके वेशभूषा को धारण करके उनके दरवाजे पे घुस चुके हैं घुसने से पहले वो रोक सकते थे आपको अपनी बात सुनाने से वो रोक सकते थे लेकिन अब तो आप उनके दर दर्व, दरवाजे पे क्या उनके घर में आप प्रवेश कर चुके हैं इसलिए आपने पहली लड़ाई को बचा ली है अब आपको ऐसे कार्य करना है कि ये आपके कदमों में आपके चरणों में लोटपोट हो जाए आगे श्री ने एक उदाहरण दिया कहते हैं दाबतुल अरज का मजकुर लिखा सलाम मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने कुरान में अर्ज जानवर का वर्णन किया उन्होंने लिखी है तहाँ छाती लिखी शेर की हम सारी ये निशानियाँ पढ़ चुके हैं कि शेर की छाती लिखी सिंह पहाड़ी बैल स्थम और पीठ लिखी गिदड़ की तुम लड़ना तु, तीन से तुमको किससे लड़ना है ऐसे दज्जाल से ऐसे जानवर से लड़ना है जिसकी पीठ गीदड़ की इतनी कमजोर है ये सूरत सब ब्रह्मांड की तिस वास्ते लिखा तुमसे आज सारे संसार के लोगों की यही सूरत है यही हालत है यही अवस्था है कि यही दावतुलर जानवर का स्वरूप है शेर की तरह कठोर छाती है इनकी कठोर हृदय है तभी आपको कसाला दिया है इन्होंने कमज़ोर समझ करके पहाड़ी बैल के सींग की तरह इन्होंने आपको परेशान किया है आपको कष्ट दिया है तो यही संसार की सूरत है अब इन इनके पहले प्रहार को तो आपने बचा लिया है इसका तात्पर्य क्या है कहते हैं तिस वास्ते तुम इनसो छले करना जुद आपको इनसे सीधे लड़ाई नहीं करनी है आपको इनसे छलपूर्वक छलपूर्वक का मतलब आपको युक्तिपूर्वक बुद्धिपूर्वक लड़ाई करनी है क्योंकि बिना बुद्धि के अगर आप सीधी लड़ाई लड़ने जाएंगे तो आप जीत नहीं सकते पहले आपको क्या करना है कहते हैं पहले इनके रुचिता तुम बोलियो ज़ुबान पहले आप इनके जैसा बोलिए इनको जैसा अच्छा लगता है वैसा बोलिए पहले इनकी प्रशंसा कीजिए और धीरे धीरे आप इनके हो जाइए इनके हुए इन्हें वश करो रुचता ही करो बयान ये प्रत्येक सुंदर सात के लिए सिखापन है एक आपको अगर किसी तक ये सत्य ज्ञान पहुँच पहुंचाना है क्यों ऐसा करना है अगर सभी लोग सत्य ज्ञान के अन्वेषी होते सत्य ज्ञान का खोज करने वाले लोग होते सत्य का स्वीकार करने वाले लोग होते तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी जैसे वाल्मीकि रामायण के अंदर मारिच ने रावण को कहा था कि अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ कड़वा और सत्य बोलने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं आज संसार की ऐसी स्थिति है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान को सत्य मान बैठा है और जब किसी चीज़ को जाना नहीं बल्कि माना जाता है तो उस चीज़ को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है जानना बहुत आवश्यक है अगर बिना जाने किसी चीज़ को सिर्फ मान लिया जाता है तो ऐसा लगता है कि अब जिसने मान ही लिया है किसी चीज़ को किसी चीज़ को उसने एक्सेप्ट कर लिया है स्वीकार कर लिया है तो उसको छोड़ने की प्रवृत्ति मनुष्य में नहीं होती है स्वयं की चीज़ को ये कहना कि हाँ मैं गलत हूँ गलत था और आपकी बात सही है ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता इसीलिए पहले उसकी बात को सुनना समझना और फिर जब वो आपकी बात को सुनने समझने लग जाए आप ऐसा व्यवहार बनाइए कि आपकी बात वो सुनने लग जाए उसके बाद में प्रेम पूर्वक अपनी बात को रखना ये तरीका श्री जी सिखा रहे हैं कहते हैं इनके ग़ुलाम होए के तुम करियो उत काम ये थोड़ी इशारत लिखी वास्ते दिन इस्लाम मैं निजानंद के लिए थोड़ी सी बातें संकेत पूर्वक लिख रहा हूँ कि पहले आप इनके गुलाम होने का मतलब इनको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप करना ताकि इनको आप पर विश्वास हो जाए ताकि ये भी आपकी बात सुनने लग जाए और बाद में पीछे तो तुम बुधवान हो खिजमत कई भात दिखाइयो रंग कई प्रकार से सेवा करके आप दिखाना वचन चोखा कहियो और जब समय आए तो घबराना भी नहीं है स्पष्ट शब्दों में चोखा कहने का मतलब है स्पष्टवादी होकर के कि बिना किसी लाग लपेट के सत्य कहना है लेकिन सत्य तब कहना है जब अवसर आए एक अंग्रेजी में कहावत कही जाती है कि स्ट्राइक द आयरन वायल इट इज़ हॉट मतलब लोहे को आप वैसे ही हथौड़ा मारेंगे तो इतना असर नहीं होगा सिर्फ आवाज़ होगी लेकिन उसको गर्म करने के बाद उसके ऊपर हथौड़ा हाँ मारेंगे तो आप जैसा आकार देना चाहते हैं जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा आकार आप प्राप्त कर सकते हैं वैसे ही कोई कितना भी कठिन हो कितना भी कठोर हो समय और अवसर के आने पर सही समय पर किया गया जो आपका प्रयास है किया गया आपका प्रहार है वह सही रंग ला सकता है इसीलिए कहते हैं कि जब समय आए तो वचन चोखा कहियो हम रहे तुम्हारे संग हम तो हमेशा आपके साथ में ही है और अब सारी रहन सहन सिखा रहे हैं कि ब्रह्म मुनियों के लिए रहन सहन कैसा होना चाहिए कहते हैं जो खैरात पातशाही लेते हैं फ़कीर हम गुजराने तिन पर तुम हमारे मुरब्बी मीर आप उनसे ऐसा कहना कि जैसे फ़कीर क्या करते हैं दान पर अपना गुजारा करते हैं खैरात जिसको बोला जाता है कत परम्परा में तो दान पर आप गुज़ारा करना और उनको कहना कि आप हमारे अत्यंत प्रिय हैं तिस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े ना दम हम तुमको कछु देने कहे तो मांगियो हवेली तुम अगर आपको कुछ देने के लिए कहते हैं कि आप कुछ आपको कुछ चाहिए तो आप कहना कि हमें रहने के लिए एक स्थान दीजिए एक हवेली दीजिए और क्या मांगना कहते हैं खाने को पेट माफक और मुल्ला पढ़ावने कलाम कुरान को पढ़ाने के लिए एक मौलवी की मांग करना खाने के लिए पेट माफक मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी मांग करना और कागज बेतलमाल से हुए रसूल अलह सलाम इस चौपाई के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को श्रीजी ज्ञान का महत्व बता रहे हैं ज्ञान की महत्ता बता रहे हैं कि खाने के लिए केवल पेट माफक चाहिए लेकिन कुरान पढ़ाने के लिए वहां पर एक मुल्ला भी मंगा रहे हैं और कागज बेतलमाल से संग्रहालय से पुराने ग्रंथों को भी मंगा रहे हैं तो ज्ञान का ये महत्व है कहते हैं और कागज बेतलमाल से हुए रसूल अलह सलाम संग्रहालय में जो पुरानी किताबें होंगी कते परंपरा की उन बातों को आप सीखना सो तुम इन सो मांगियो हमको दे तालीम और आप ये इस बात की मांग करना कि ये हमें प्रशिक्षण दें हमको तरबियत करो जो कलाम अर इनको कहना कि जो अर के कलाम है कुरान है ये हमें सिखा दें जो तुमको न दे वहीं अपने जान पने अगर ये आपको आपकी मांग पूरी नहीं भी करते हैं पहले अगर मांगते हैं तो ये मांगने का कहते हैं तो मांग रखना और अगर आपकी मांग पूरी नहीं भी करते हैं पर तुम खिजमत न छोड़ियो जो चाह होए इन्हें अगर आपकी बात को पूरी नहीं करते हैं तब भी आप उनकी सेवा मत छोड़ना जो चाह हो इन्हें जैसी इनकी इच्छा है आप इनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते रहना कहते हैं इनका रुचता नाचियो रिझाइयो भले भात आप इनको कैसे रिझाना जैसे आप जैसे इनको अच्छा लगे वैसे आप नाचना इतनी अरज कीजिए बात कहें एकांत और आप इनसे एकांत में कहना कि हम आपको आपसे कुरान की बातें कहना चाहते हैं लेकिन किसी भी लड़काई बुद्ध वालों से अर्थात बचपना करने वाले लोगों से संगत मत रखना कहते हैं कोई लड़काई बुद्ध सो राखियो नहीं सोहबत भारी कर बुलाइयो जब तुम्हें पूछें इत आपको अगर कोई पूछे तो उनको आप सम्मान दे करके ही बुलाना ताकि उनको अच्छा लगे ज्यों बुलाओ अपने लड़के को जैसे आप अपने घर में अपने बेटे को सम्मान अथवा प्रेमपूर्वक बुलाते हैं वैसे इनसे बात करना जो सवाब तुम लेते हो तो अर्ज सुनावे हम और जब भी अवसर मिले तो कहना कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं एक अर्जी करना चाहते हैं ये बात अगर सुनेंगे तो आपको सवाब मिलेगा सवाब मतलब आपको पुण्य मिलेगा कहते जब कहें के कहो तुम तब काजी हजरत तीन से तुम यू ही कहो बात सुनो हमारी एकांत अगर कोई आपसे ये कहे कि हाँ हम आपकी बात सुनेंगे हम आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं तो आप कहना कि हमारी बात को आप एकांत में सुनिए जो कोई आवे हमारा ताए सुनावे सनंधे कुरान ओ आकिन ल्यावे रसूल पर जिनको होए पहचान और जो कोई भी आए सुनने वाला तो उनको आप सनंद से कुरान की वास्तविकता को बताना है सनंद से कु... और इनको ये कहना कि कोई भी व्यक्ति अगर हमसे जुड़ेगा तात्पर्य क्या कि अगर ब्रह्म मुनियों से कोई नया व्यक्ति जुड़ता है अगर वो कुरान की वास्तविकता को समझता है श्री जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ को कि आप ऐसा कहना कि अगर कोई नया व्यक्ति आता है कोई हिंदू में से भी को... अगर कोई व्यक्ति आता है तो उनको हम सनंद के माध्यम से रसूल साहब के विषय में बताएंगे अगर आप लोगों की ऐसी रहनी नहीं होगी अगर मुसलमानों की ऐसी रहनी नहीं होगी कि वो कट्टरता करते हैं हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाते हैं हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी निंदा करते हैं हिंदुओं के जो पूज्य होते हैं चाहे वो गौ माता की बात करें चाहे हिंदुओं के महापुरुषों की अथवा देवी देवताओं की बात करें इनको इनकी निंदा करते हैं मुसलमान तो सुंदर साथ को ये कहने के लिए कह रहे हैं श्री जी कि जो कोई भी हमारे लोग आएंगे उनको हम सनंद में से रसूल साहब की पहचान कराएंगे तो वह रसूल साहब के ऊपर ईमान ले आएगा आज मान लीजिए कोई हिंदू भी होगा जो हिंदू परंपरा में पला बड़ा होगा लेकिन वह अगर इस सत्य को स्वीकार करेगा कि मोहम्मद साहब के अंदर भी अक्षर की सुरता थी जिस अक्षर का वर्णन गीता में किया गया है उस अक्षर की ही आत्मा ने मोहम्मद साहब के रूप में लीला की तो वह भी उनके प्रति सम्मान की दृष्टि से देखेगा तो इसीलिए कह रहे हैं कि ओ ल्यावे ओ आकिन लियावे रसूल पर जिनको होए पहचान जिन भात हमको आकिन दिया श्री महराज क्या कहना है कि श्रीजी साहब ने हम सब पर हम सब को जैसे प्रबोधित किया तो उनके सिखापन को देख करके इस सनंद ग्रंथ को पढ़ कर के जैसे हम रसूल साहब के ऊपर ईमान लेकर के आए हैं वैसे ही हम दूसरे लोगों को भी रसूल साहब के विषय में रसूल साहब की मोहम्मद साहब की पहचान कराएंगे और अगर पहचान कराएंगे तो वास्तव में इस्लाम का कार्य होगा मतलब शांति का कार्य होगा क्योंकि जब सब लोग धर्म के सच्चे स्वरूप को पहचानेंगे तो संसार का विरोध ही समाप्त हो जाएगा अब कहते हैं और जो तुम ज़ाहरी खिलाने लगो गोश्त उन्हें सुंदर साथ कह रहे हैं ज़ाहरी मुसलमानों से श्री जी ने यह सिखाया है सुंदर साथ को कि ऐसा कहना तुम उनसे कि और जो तुम ज़ाहरी खिलाने लगो गोश्त उन्हें तुम ज़ाहरी रूप में ही अगर उन्हें गाय का गोश्त खिलाने लग जाते हो मुसलमान बनाने के नाम पर तो ढिग ना आवे तुम्हारे बड़ा दोस्त होवे इनसे तो ये हिंदू तो आपके कभी नज़दीक भी नहीं आएंगे इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए एक ठोर लेके जागा होने देव तुम जब होवे उन्हें पहचान तब फुरमाया करे सब कुम आप उन्हें आप हमें ऐसी जगह दीजिए जिस जगह पर हम ऐसे लोगों को समझा सकें ऐसे लोगों को रसूल साहब की पहचान करा सकें तब तो कोई कुरान के ऊपर ईमान लेकर के भी आएगा हम पहले मिलाप किया शेख सलेमान से तब भी हम यही कहा, और उस समय भी हमने शेख सलेमान से यही बात कही थी लेकिन उसने बात नहीं सुनी और हमने शेख सलेमान के माध्यम से ये बात कहलवाई भी थी सुल्तान तक कि हमें हमारे वेश में ही मिलने दीजिए हिंदुओं का वेश में ही हमें मिलने दीजिए और अगर हम हिंदुओं के वेश को ही रख पाते हैं तो सब लोग हमारी बात को सुनेंगे लेकिन हमारी बात को किसी ने भी नहीं माना और कहते हैं पीछे तुम निकलोगे हटे ना कोई पीछे सब दौड़ेंगे आपे से बैठने इस्लाम में अगर सबको वास्तविकता का पता चल जाएगा कि रसूल वास्तव में अलग कोई नहीं है केवल भाषा का भेद है हमारे समझाने से इस बात को मानेंगे तो बाद में सभी लोग आपकी बात को भी मानेंगे इस्लाम को भी वो लोग स्वीकार कर लेंगे कहते हैं श्री मिहराज जी तिनको दिया रसूल पर ईमान पर हम पर कसाला पड़ा ताथे हटे न ल्यावे पहचान श्री मिहराज जी ने हमें किस तरह से रसूल साहब के ऊपर ईमान दिलाया है लेकिन हम जिस ज, जैसे कार्य को कर रहे हैं आप लोगों ने हमें ऐसा कष्ट दिया आप लोगों ने हम पर ऐसा कसाला दिया कि अगर हम ये बात बाहर ज़ाहिर हो जाएगी कि ये जाहिरी मुसलमान ऐसा करते हैं तो ताते हटे न लियावे पहचान कोई भी आपकी बातों को पहचान नहीं करेगा मोहम्मद साहब की पहचान नहीं करेगा इसीलिए हमें ऐसा नहीं चाहिए कि कोई भी नया व्यक्ति आ रहा है उस पर जुल्म नहीं करना चाहिए तो श्री जी ने ये सारी बातें समझाई कहते हैं पर और बहुत कह के मता न जानो तुम थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिख कर भेजे हम इनको बहुत सारी बातें एक ही बार में नहीं कहनी है थोड़ा थोड़ा करके आप समझाते जाना क्योंकि एक ही बात अगर एक ही बार में बहुत सारी बातें कह देंगे इनको समझ में भी नहीं आएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हम भी पत्र में आपको निर्देशन देते रहेंगे और कहते हैं पर एक बात बड़ी हुई जो करे तुम्हारा विश्वास एक बहुत अच्छी बात हुई कि ये जाहिर मुसलमान आप लोगों की बात का विश्वास कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कही हो अपना भी भेष राख के काम करने की थी आस श्री जी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात हुई है कि ये आपका विश्वास करने लग गए लेकिन हमारे मन में एक इच्छा थी हम चाहते थे कि हम हमारे हिंदू वेशभूषा से ही औरंगजेब के पास अगर जाकर मिल पाते आपको तो वेश परिवर्तन करना पड़ा लेकिन अगर हम हिंदू वेश में ही उनसे मिलते तो हमें और ज़्यादा प्रसन्नता होती लेकिन कहते हैं और हिंदू के वेश से होए नहीं ये काम इन वेशमजलिस परतित न करे इस्लाम इन ज़ाहरी इस्लाम के अनुयायियों ने हमारी बात को नहीं माना पहले इसलिए हमें इस वेश को बदलना पड़ा लेकिन फिर भी आप अपनी वेशभूषा से कभी भी शर्म नहीं करना कहते तुम हिंदुओं के वेश से जिन करो शर्म आपको इस बात पर शर्म करने की आवश्यकता नहीं है कि आप हिंदू हैं और इस बात के ऊपर भी शर्म करने की आवश्यकता नहीं है कि आपने अपने वेश का परित्याग किया है आपने तो लोकलाज मर्यादा को पहले ही भान दिया है उसको समाप्त कर दिया है क्योंकि आपको ये पता है कि वेश भाषा ये वस्त्र तो केवल पहनने के हैं हाँ आपको शर्म इसलिए नहीं करनी चाहिए हिंदुओं के वेश से क्योंकि आप जन्म से हिंदू हैं लेकिन आपने राज्य की सेवा के लिए सत्य ज्ञान को औरंगजेब तक पहुंचाने के लिए उन वस्त्रों का परित्याग किया है इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कहते हैं कोई तुमको मिले ताए चोखा दीजो जवाब देखो सब शास्त्रों को क्या लिखा इनके बाब अगर कोई हिंदू व्यक्ति भी मिलता है जो आपके मुसलमान वेश धारण करने की निंदा करता है तो आप उनको स्पष्ट शब्दों में कहना आप उन्हें शास्त्रों को दिखा करके शास्त्रोक्त तो बातों से समझाना उनको कहते तीन कांड वेद वेदांत के वल्लभाचार्य के मत वेद वेदांत के तीन कांड कर्म उपासना और ज्ञान तथा वल्लभाचार्य के मत में शंकराचार्य जी ने और गीता के अंदर क्या बात कही गई है वेशभूषा के विषय में क्या बात कही गई है ये सारी बातें उनको समझाना और पुराण भागवत में अदिति पुराण भागवत में जैसा लिखा कलाम तीन ऊपर तुम चलो बीच दीन इस्लाम कुरान में जो बात लिखी गई जो सत्य ज्ञान कुरान के अंदर है तथा वेद पक्ष के अंदर जो ज्ञान है जिन धर्म ग्रंथों का नाम लिया है उस ज्ञान को आप ग्रहण करना और उससे आप उन सबको प्रबोधित करना कहते हैं तोलो मत सबन की आपको सभी धर्मशास्त्रों की तुलना करनी चाहिए आज समाज में क्या होता है कई बार कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से जितने विद्यार्थी यहाँ पर हैं उन्हें संस्कृत की भी शिक्षा दी जाती है विशेष रूप से हमने चार विषय रखा है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में वाणी बीतक अर्थात निजानंद दर्शन के जितने साहित्य हैं वाणी बीतक और उससे आधारित उसके बाद संस्कृत तथा अंग्रेजी दो भाषाओं का ज्ञान तो ये चार विषय विशे हमने विशेष रूप से रखे हैं तो जब हम संस्कृत की शिक्षा पर जोर देते हैं चूँकि संस्कृत एक सभी भाषाओं की जननी होने के साथ साथ में संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हिंदू धर्म में वे सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में है तो हम जब संस्कृत पढ़ने को जोर देते हैं कभी कभी ज्ञानपीठ से संस्कृत के श्लोकों का गायन करके वेद मंत्रों का गायन करके संस्कृत के सूत्रों का पाठ करके अगर कोई वीडियो यूट्यूब पर डाली जाती है या फिर प्रतियोगिता में संस्कृत भाषा रखी जाती है तो कई बार सुंदर साथ एक बात कहा करते हैं कि वाणी में तो जाको नाम है संस्कृत सो तो संशय की कृत लिखा गया है फिर सुंदर ये ज्ञानपीठ वाले संस्कृत क्यों पढ़ाते हैं संस्कृत को जोर क्यों देते हैं हमें इस प्रसंग से शिक्षापन लेनी चाहिए शिक्षा लेनी चाहिए श्री जी कहते हैं तीन कांड वेद वेदांत के वल्लभाचार्य के मत शंकराचार्य ने क्या कहा क्या कहिया गीता में इित आदित्य पुराण भागवत में जैसा लिखा कलम इतने सारे ग्रंथों का नाम लिया है वेद वेदांत ये सब तो ये हिंदी में तो नहीं है ये सभी ग्रंथ तो संस्कृत में ही है जब हमें उन सभी ग्रंथों को पढ़ने की बात श्री जी यहाँ पर कह रहे हैं उन ग्रंथों से उन लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं तो फिर उसे पढ़ने में क्या हर्ज है बिना संस्कृत पढ़े तो आप इन सब को जान नहीं सकते सीख नहीं सकते जिस प्रसंग में श्री जी ने संस्कृत को संशय की कृत कहा वो आप जैसे लोगों के लिए श्री जी ने कहा है और ऐसे लोग जो बिना जाने किसी बात का विरोध करते हैं और बिना जाने संशय पैदा करते हैं ऐसे लोगों के लिए संशय के कृत कहा है जैन लेने से पहले के जितने लोग थे वो भी संशय में थे वो क्या करते थे वो संस्कृत के वेद मंत्रों का अथवा श्लोकों का अर्थ भाव समझ न पाने के कारण उसके अलग तरीके से अर्थ लगाते थे तो उनके लिए वो संस्कृत का कृत था और आज आप वाणी की चौपाइयों का भावना समझने के कारण आप एक किसी एक पार्टिकुलर विषय में उसका अर्थ घटा देते हैं आप आगे पीछे का प्रसंग तो देखते ही नहीं तो ये आपके लिए भी ये चौपाई विशेष रूप से कही गई है जो भी सुंदर साथ संस्कृत पढ़ने का पढ़ाने का विरोध करते हैं जिनको लगता है कि ज्ञानपीठ से वाणी का विरोध हो रहा है वाणी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उन्हें ये बात भी समझनी चाहिए जब हरिद्वार गए श्री जी तो हरिद्वार में वाणी की चौपाइयों से तो प्रमाणित नहीं किया था कभी कभी मैंने ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ को देखा है कभी व्हाट्सएप में मैसेज किया करते हैं फेसबुक में यूट्यूब पे ऐसे प्र... ऐसी बातें लिखते हैं कि आप वाणी की बात को वाणी से प्रमाणित क्यों नहीं करते वो तो आप मानेंगे ना वाणी की किसी बात को आप वाणी की चौपाई से ही सिद्ध करेंगे तो दूसरा कोई क्यों मानेगा वो तो वाणी को मानता ही नहीं जब तक आप उन हमारी बात को उनके ग्रंथों के द्वारा पुष्टि नहीं करेंगे तब तक कैसे मान सकता है और हम सबको इस पत्री के प्रसंग से सीखना चाहिए कि हमें उन सभी ग्रंथों को पढ़ने के लिए श्री जी कह रहे हैं जो संस्कृत में है और साथ में कहते हैं कि जैसा लिखा कलाम कुरान के अंदर क्या लिखा है उसे भी आप पढ़िए और उन सुंदर साथ को भी सिखापन लेनी चाहिए कि वाणी में कुरान की बात क्यों लिखी गई है जो ये कहा करते हैं वाणी में कुरान की बात लिखने का तात्पर्य अगर आप कुरान को जानेंगे नहीं तो विरोध कैसे करेंगे आप जाहिरी मुसलमानों की कट्टरता को इस्लाम में हो रही धर्मांधता का विरोध कैसे करेंगे अगर आपको उनके सिद्धांत का ही नहीं पता तो आप उनके सिद्धांत का विरोध क्यों करेंगे इसीलिए विरोध करने के लिए भी किसी भी किसी चीज़ को जानना आवश्यक होता है और जानने के लिए पढ़ना आवश्यक होता है अगर कोई अंग्रेजी पढ़ता है तो कोई ईसाई नहीं हो जाता ऐसे ही संस्कृत पढ़ते ही हम पौराणिक नहीं हो जाते संस्कृत पढ़ते ही हम किसी दूसरे संप्रदाय के अथवा वाणी के विरोधी नहीं हो जाते वाणी के प्रचार प्रसार के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े संस्कृत उर्दू या हिब्रू पढ़ना पड़े हम हिब्रू भी पढ़ेंगे तो हम सब सुंदर साथ को इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए क्योंकि राज्य कह रहे हैं तोलो मत सबन की सबके मत की तुलना करनी है हम वाणी में कहते हैं ना तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन तो तुलना कोई कब करेगा जब आपको पता ही नहीं कि इस ग्रंथ में क्या लिख रखा है तुलना कैसे करेंगे इसलिए तुलना करने के लिए जानना आवश्यक है कहते हैं तोलो मत सबन की और सलाम ज़्यादा कम है किनकी सब मिल बैठे इन आप इन सभी मत मतान्तरों की तुलना करना है आपको और मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने जो बात कुरान में कही है उन बातों की तुलना करनी है और ये जानना है कि किसने कहाँ तक की बात कही है और जो कोई अगर ज़ाहिर हिंदू जाहिरी हिंदू हिंदू का क्या तात्पर्य है इसको समझिए एक विशेष बात वैसे तो हम बार बार सुनते आ रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती सिर्फ सुन रहे हैं इसीलिए इस बात को मुझे बार बार दोहराना पड़ता है कि चाहे वो ज़ाहरी हिंदू हो और सिर्फ नाम के हिंदू होने का उसे घमंड हो गर्व हो लेकिन हिंदुत्व की उसे पहचान नहीं है तो फिर उस उस हिंदुत्व का कोई अर्थ नहीं है कोई प्रयोजन नहीं है कोई लाभ नहीं है वैसे ही कोई मुसलमान जो इस्लाम को जानता ही नहीं सिर्फ कुरान के कुछ आयतों का जाहिरी अर्थ जानता है और फिर वह कट्टर बन जाता है और कहता है कि काफिरों का कत्ल करो कुरान ही सब कुछ है इसके अलावा सब झूठे हैं मोहम्मद साहब के अलावा सब झूठे हैं जितने मुसलमान के अलावा जितने मत मतान्तर के लोग हैं सब काफिर है, अगर ऐसा कोई समझता है तो वह भी गलत है और वह भी अज्ञानी है उस कट्टरता का कोई लाभ नहीं तो यहाँ पर अब मुसलमानों को तो समझा ही रहे इतने दिन इतने समय से अब उन हिंदुओं के लिए भी कह रहे हैं कि अगर कोई जाहिरी कट्टर कट्टर हिंदू आता है आपके पास और आपसे ये बहस करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तुमने हिंदुओं के वस्त्रों का त्याग क्यों किया तुम मुसलमानों के बीच में क्यों रह रहे हो तुम अपवित्र हो गए हो तुम छोटे हो गए हो नीच हो गए हो तुमने अपनी जाति का बदनाम किया धर्म का बदनाम किया ऐसा अगर कोई कहता है तो उनको क्या करना नबी नारायण की सनंद मारियो मोह पर मुँह पर सनंद मारने का मतलब है हमने नबी और नारायण की उस दिन वास्तविकता सुनी थी कि सनंद नबी नारायण में क्या बात कही गई है नबी अर्थात अक्षर की सुरता और नारायण ब्रह्म तो दोनों की पहचान करके बतानी है कि कुरान में कहां तक की बातें लिखी है और वास्तविकता क्या है उस वास्तविकता को उनके मुंह पर मारने का मतलब है उनको स्पष्ट शब्दों में कहना तब होवेंगे शर्मिंदे तुम करो चर्चा यूंकर जब आप ऐसी चर्चा करेंगे क्योंकि ये जाहिर हिंदुओं को ज्ञान तो है नहीं आज मत का पतन होने का सबसे बड़ा कारण ही है कि ये जो पीढ़ी है आज जितने लोग मान लीजिए जो 40-45 साल की उम्र के लोग हैं हिंदू ये आज से जो 25-30 साल पहले के संस्कार हैं उनके माता पिता के उसके कारण आज हिंदू हैं जान के कारण नहीं सिर्फ परंपरा के कारण ये मंदिरों में जाते हैं जा रहे हैं आ रहे हैं और इनका जीवन तो आधे से ज़्यादा समाप्त हो चुका है लेकिन ये जो 40-45 साल की उम्र वाले हिंदू हैं इनकी जो संतान है अभी जिनकी उम्र अभी पंद्रह सोलह साल की हुई है या बीस साल की हुई है आज इनमें हिंदुत्व बचा नहीं है क्यों नहीं बचा इसके पीछे कारण ये है कि इनके माता पिता जो केवल नाम मात्र के हिंदू हैं मंदिर में जाना चंदन चढ़ाना और किसी देवी देवता के आगे सिर झुकाना इसी को अपना धर्म समझा अब इनके जो बच्चे हैं धर्म ग्रंथों को तो इन्होंने पढ़ा नहीं तो इनके बच्चे जग, अगर इनको पूछते हैं कि पिताजी या मम्मी आप बताइए क्या आप हनुमान जी की पूजा करते हैं हनुमान चालीसा का क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं में क्या होता है यही तो होता है किसी ने किसी देवी देवता की चालीसा बनाई जाती है हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा गणेश चालीसा उनका पाठ किया जाता है शनि स्तोत्र का पाठ किया जाता है अधिकतम हिंदुओं में ये होता है तो कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और उसमें तो ये बात लिखी गई है कि ये इतने योजन पर पता नहीं पचास करोड़ योजन पर सूर्य है और लीलियो ताही मधुर फल जान्यू उसको हनुमान जी ने मीठा फल जान करके निगल लिया था तो आप बताइए कि ये कैसे संभव है आपके आपके पास कोई लॉजिक है आपने कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देखा है आप गणेश जी की जब चर्चा करते हैं गणेश जी की बात करते हैं टीवी सीरियल में ये बात दिखाई जाती है अब आप क्या करते हैं आज के हिंदू क्या करते हैं कि जब भी कोई ऐसा सीरियल आ रहा होता है धार्मिकता के नाम पर पौराणिक ऐसे दृश्य आ रहे होते हैं तो अपने बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों देखो धर्म के बारे में कुछ जानो क्योंकि खुद ज्ञान नहीं होता तो टीवी सीरियल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं जब टीवी के सामने बच्चे बैठते हैं देखते हैं कि शिव ने उस बालक का सिर काट दिया है सुधर उनके त्रिशूल से और त्रिशूल से सिर काटने के बाद में अब हाथी के सिर को जोड़ रहे हैं अब आज का बच्चा जो मेडिकल साइंस पढ़ रहा है वो बायोलॉजी पढ़ रहा है एनाटॉमी पढ़ रहा है फिजियोलॉजी पढ़ रहा है फिजिक्स पढ़ रहा है ऐसे जब वो साइंस पढ़ रहा है तो वो कैसे मानेगा आज जब बच्चा डीएनए के विषय में पढ़ता है आरएनए के विषय में पढ़ता है तो वो कैसे मान लेगा कि एक हाथी का जो डी है वो मनुष्य के डी से मैच कर रहा है एक इंसान के गर्दन पे इंसान के धड़ पे हाथी का सिर कैसे फिट बैठ रहा है वो कैसे मानेगा वो तो सवाल पूछेगा कि जब हाथी का सिर जोड़ सकते थे तो जो जो सिर पहले से कटा पड़ा था उस सिर को क्यों नहीं जोड़ दिया सारी बातें वो पूछेगा ना आपके पास कोई जवाब नहीं होता फिर इस कमजोरी का फायदा दूसरे मत मतांतर के संप्रदायों के लोग उठाते हैं अब हमारी कमी क्या है कि ना हम अपने सिद्धांत को जानते हैं ना हम दूसरे संप्रदायों के सिद्धांत को जानते हैं अब एक ईसाई व्यक्ति आकर के आपको पूछता है कि तुम ये चंदन लगाते हो क्या साइंटिफिक कारण है तुम घंटी बजाते हो तुम ओम बोलते हो इसके पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं तुम गले में कंठी लगाते हो उसके पीछे कोई लॉजिक है क्या और तुम गणेश जी की पूजा करते हो और जैसे मैंने पहले कहा ऐसे सवाल अगर पूछ देगा बच्चे का मोरल पहले ही डाउन हो जाएगा बच्चा घर में आके पूछेगा उससे जवाब नहीं मिलेगा तो और डाउन हो जाएगा उसके बाद अब उसके स्कूल में उसके कॉन्वेंट स्कूल में तो यही शिक्षा दी जा रही है उसके स्कूल में प्रार्थना के नाम पर कक्षा से पहले की प्रार्थना के नाम पर बाइबल को ही तो पढ़ाया जा रहा है बाइबल का एक विषय लगभग लगभग हर कॉन्वेंट स्कूल में कंपलसरी कर दिया जाता है वहाँ प्रार्थना के नाम पर ईसाई मत की ही प्रार्थना बताई जाती है तो ऐसा करते करते हिंदू मत से वो विमुख हो जाता है और ईसाई बन जाता है और दूसरा कार्य किया है आजकल के टेलीविजन ने आज के सिनेमा में अब हिंदू मत की वास्तविकता को तो बताया नहीं जाता है हिंदू मत में जितनी विज्ञान सम्मत बातें हैं वेद से वेद के अंदर जो विज्ञान है ऐसा विज्ञान आपको आज के वैज्ञानिकों में भी नहीं मिलता है उपनिषदों में अथवा शास्त्रों में सांख्य दर्शन के अंदर वैशेषिक दर्शन के अंदर जो विज्ञान पहले हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने खोज कर ली आज भी आज के वैज्ञानिक उसको खोज रहे हैं अब पृथ्वी की परिधि से लेकर के पृथ्वी के क्षेत्रफल से लेकर के प्रकाश की गति से लेकर के सूर्य की उपयोगिता चंद्रमा के स्वयं का प्रकाश न होना पृथ्वी का गोल होना और हमारी भारतीय परंपरा में तो पृथ्वी को भूगोल कहा जाता है प्राचीन काल से इसे भूगोल कह रहे हैं और आज के वैज्ञानिक कुछ समय पहले वो टेलीस्कोप का आविष्कार किया गैलीलियो ने उसके बाद कहने लगे कि पृथ्वी गोल होता है नहीं तो ये चपटी मान रहे थे तो हमारी वैज्ञानिकता को किसी ने पढ़ाया नहीं तो हमारी सबसे बड़ी कमी क्या रही कि न हमने स्वयं के मत को जाना न दूसरों के मत को जाना अब अगर कोई हिंदू में अपने धर्म का ज्ञान हो तो अपने धर्म का पहले डिफेंड कर सके अपने धर्म का पहले बचाव कर सके और अगर दूसरे के धर्म का ज्ञान हो तो उनके गलत सिद्धांत पर आक्रमण कर सके तब तो स्वयं की सुरक्षा होती है ना किसी भी लड़ाई में स्वयं की सुरक्षा करने के लिए सिर्फ आक्रमण करना भी उपयुक्त नहीं होता और सिर्फ बचाव करना भी उपयुक्त नहीं होता समय पर बचाव और समय पर आक्रमण दोनों आवश्यक होता है इसके लिए स्वयं के धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए और दूसरों के सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए आज अगर अपने सिद्धांत का ज्ञान होता अगर किसी ने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा होता हनुमान जी की वास्तविकता को पढ़ा होता तो वो बता सकता था कि हनुमान जी ने सूर्य को निगला नहीं जबकि सोलर साइंस को वो जानते थे तो ऐसे विषय में ऐसे विषय को न जानने के कारण ये जो कट्टरता आती है उस कट्टरता के कारण अगर कोई हिंदू आता है तो ऐसे हिंदुओं को आप वास्तविकता समझाना नबी और नारायण के विषय में बताना कहते हैं ये तो सब में रस्में लड़त है अंकर आज के जितने हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं कहते हैं ये तो सब रस्म के कारण रस्म के किसे कहते हैं रीति रिवाज परंपरा के कारण जी जो ये मानते आ रहे हैं आज इस्लाम मत में कोई बच्चा छः साल का सात साल का होता है तो उसको कुरान पढ़ाना शुरू करा दिया जाता है और अधिकतम लगभग लगभग प्रत्येक मुसलमान को कुरान याद करना कंठस्थ करना अनिवार्य होता है सब लोग कुरान की आयतों को याद किया करते हैं ईसाई मत में प्रत्येक सप्ताह में एक दिन सप्ताह में एक दिन चर्च जाना कंपलसरी है अनिवार्य है और वहाँ जाने के बाद उनको प्रतिदिन प्रार्थना कराई जाती है रोज उनको आगे बुलाया जाता है उनको उनसे भजन गवाया जाता है उनके सिद्धांतों की वहाँ पर चर्चा होती है भले ही विज्ञान सम्मत कुछ भी ना हो फिर भी बात करते हैं तो अपने संप्रदाय के विषय में तो जानते हैं ना लेकिन हमारे में क्या हो रहा है इसीलिए हम जो भी मान रहे हैं हिंदुओं में आज जितने भी हिंदू बच्चे हुए हैं उनमें से सिर्फ पाँच प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जिनको अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का ज्ञान होगा अन्यथा पंचानबे प्रतिशत हिंदू तो अपने सिद्धांतों का ज्ञान नहीं रखता केवल परंपरागत रूप से अपना नाम हिंदू रखता है उसको तो ये भी नहीं पता कि तुम जिस परंपरा को मानते हो इस परंपरा को मानने का कारण क्या है अगर इतना भी जान जाए तो कुछ बात बने लेकिन अब ये सब बहुत बड़े संकट की बात है सभी हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आज आपने अपने बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी तो आ, आगे आने वाले पाँच से दस साल के अंदर धीरे धीरे करके वो क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी की तरफ अथवा किसी दूसरे मत मतांतर की तरफ अगर झुकने लग जाए तो इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि उसको आपने अपनी शिक्षा नहीं दी ज़्यादा से ज़्यादा आप कब तक बचाव कर पाएंगे उस व्यक्ति का जब तक आप जीवित हैं आपके जाते ही अगर आपका तन छूटेगा आपने उसको ज्ञान की सौगात नहीं दी है ज्ञान उसको नहीं दिया है तो वो फिर धर्म परिवर्तन होने में कोई देर नहीं और जहाँ पर धर्म परिवर्तन हुआ तो धर्म परिवर्तन ही राष्ट्र परिवर्तन का एक मूल है राष्ट्र परिवर्तन का आधार है जहाँ व्यक्तियों ने अपने धर्म का परिवर्तन कर लिया अपने संप्रदाय का परिवर्तन कर लिया तो वहाँ राष्ट्र परिवर्तन होने में देर नहीं लगता इसलिए अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दीजिए अब कहते हैं ये तो सब में रस में लड़त है अहंकार ये तो सिर्फ अहंकार के कारण लड़ने आ रहे हैं ये सिर्फ परंपरा के कारण लड़ने आ रहे हैं इनमें कोई ज्ञान नहीं है कहते हैं जब फुरमान के मायने जाहिर खोले परवर दिगार जब इनको वास्तविकता का पता चलेगा जब इनको कुरान की वास्तविकता का पता चलेगा तब सब शर्मिंदे होंगे रहे न काहू को गुमान जो बस बसा छाती पर करत है शैतान इनके हृदय में चाहे ये जाहिरी मुसलमान हो चाहे ये जाहिरी हिंदू हो दोनों के हृदय में शैतान का वास है और दोनों को जब सच्चाई का पता चलेगा दोनों शर्मिंदे होंगे क्योंकि अब तक तो ये पकड़ बैठे अंधेर को और बैठ और बढ़ता गुमान ये तो अपने अहंकार को ही पकड़ करके बैठे हुए हैं और अंधकार को पकड़कर बैठे हुए हैं लेकिन आप जब ज्ञान का प्रचार करेंगे अज्ञानता रूपी शैतान जब मर जाएगा कहते हैं सो सबे गल जाएंगे ये सभी गलने का मतलब ही ये झुक जाएंगे विनम्र हो जाएंगे और तब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों न्यात और ऐसी अवस्था में क्या करेंगे भेड़ की तरह एक भेड़ की देखा देखी आगे सबसे आगे जो भेड़ चलता है अगर वह भेड़ खाई पे गिर जाए तो उसके पीछे के सारे भेड़ भी खाई में गिर जाते हैं तो एक दूसरे की देखा देखी सब लोग पीछे पीछे आएंगे अब सब जमा होते हैं पर इन उल्टी ग्रही सब बात अब तक तो, तो इन्होंने सारी बातों को उल्टा ही ग्रहण किया है लेकिन भविष्य में सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे कैसे तुम सिर ऊंचो देखियो जिन नीचा देखो तुम आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि आपको नीचा देखना पड़े आप हमेशा गर्व में रहना सिर ऊंचा करके रखना जो तुम पर एक दोष बदले तो दावा लेते कुम। आपने तो कोई भी दोष नहीं किया है आपने कोई भी गलती नहीं की है कहते गोविंद भेड़ा तुम जानत माया गोविंद भेड़े की मंडली जिसको हम कहते हैं आपने गोविंद भेड़े का तो शायद पूर्व में बहुत सारे लोगों से सुन रखा होगा कि गोविंद भेड़ा नाम का एक व्यक्ति था गोविंद पटेल नाम का वो जब मर गया तो उसकी उसके प्रयत्ने एक ऐसा मंडल सजाया एक जादुई मंडल कहते हैं कि उसने एक मेला सजाया था और उस मेले में कोई भी व्यक्ति जाता था तो वहाँ की किसी भी वस्तु को छू लेता था तो छूने के साथ ही वह भी उस मंडली में उस प्रेत मंडली में शामिल हो जाता था उसकी मुक्ति नहीं हो पाती थी तो सब लोग वहाँ जा कर के उस मंडली में शामिल होते जा रहे थे मतलब उसके लालच में आ जाते थे और उसके चक्कर में फंस करके कोई भी किसी पदार्थ को छू लेता था तो वो, वो उसी की मंडली में शामिल हो जाता था तीन साधु वहाँ से गुजरे पंक्तिबद्ध होकर के आपस में बात कर रखी तीनों साधु ने कि यहाँ किसी भी सामान को हम स्पर्श नहीं करेंगे नहीं छुएंगे तो सबसे आगे आने वाला साधु था आगे चलने वाला वह सीधे चलता गया बिना इधर उधर देखे और वो पार हो गया उसके पीछे वाला जो साधु था उसको लगा कि पता नहीं छू या ना छू आगे साधु है तो आगे के साधु को देखते देखते उसके सहारे वह भी पार हो गया लेकिन जो सबसे पीछे वाला साधु था उसको लालच आया पूरा बाजार वो पार कर गया अंतिम में सबसे अंतिम दुकान में पहुंचने के बाद में वहाँ पर उसने एक गलीचा देखा उसको बहुत पसंद आया उसने सोचा अब तो मैंने पार कर ही लिया है अब मैं छूलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं अब तो मुझे नहीं फंसा सकते लेकिन जैसे ही छुआ अंतिम क्षण में जा करके के वह उसी गोविंद भेड़े की मंडली में गोविंद पटेल की भूत मंडली में शामिल हो गया ये कोई अलग से मंडली नहीं है ये संसार ये माया रूपी मंडली है जिसमें तीन सृष्टि ब्रह्म ईश्वरी और जीव सृष्टि तीन साधु हैं ब्रह्म सृष्टि राज्य के प्रेम के सहारे बिना इधर उधर देखे पार हो जाती है ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टियों के नक्शे कदम पर चलते चलते वो भी पार हो जाती है लेकिन जीव सृष्टि माया से पार नहीं हो पाती तो ऐसा गोविंद भेड़े की शक्तिशाली मंडली है यहाँ कह रहे हैं कि अब तो गोविंद भेड़े की मंडली का मतलब इस माया रूपी गोविंद भेड़े की मंडली का बल बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है कहते हैं गोविंद भेड़ा तुम जानत ताको बल न चले लगार एक पाँच बरस को बालक ए ताय न सके मार जिसको तारतम ज्ञान मिल गया है उसको पाँच वर्ष का एक बालक भी होगा तो इस गोविंद भेड़े के मंडली की इतनी भी क्षमता नहीं है इस माया की इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसे मार सके एक पाँच वर्ष के बालक को मारने के बराबर भी अब इस माया में शक्ति नहीं बची है कहते तुम साथ ही सिरोमन एक दूजे थे सिरदार कहते आप सभी सुंदर साथ तो एक दूसरे से सिरोमणि हो सब एक दूसरे से बढ़ के वो कोई किसी से कम नहीं है तो ये गोविंद भेड़े की मंडली आपको क्या कर सकती है क्योंकि आपको तो एक पाँच वर्ष के बालक को अबोध बालक को नहीं मार सकती ये माया आपको तो कहते हैं हकें पहले किए खबरदार जी ने आपको पहले ही सावधान कर रखा है हमें भी जी ने ज्ञान दृष्टि से तो सावधान कर दिया है लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हम तो माया से पार हो हो ही चुके हैं चलो इस एक गलीचे को ले लेते हैं और उस एक गलीचे को लेते ही हम फिर दूसरे चक्रों में फंस जाते हैं और फिर उस गोविंद भेड़े की मंडली में शामिल हो जाते हैं और के, अब श्री जी कह रहे हैं कि अगर एक पाँच वर्ष के बालक को नहीं मार सकता तुम तो कहते हैं अब तो तुम जने बार हो आप तो बारह लोग हो वहाँ पर तब तो ये माया की जो मंडली है वो पूरी मंडली ही आपसे भाग जाएगी और आगे कहते हैं अब तो तुम बारह हो तुम मिलसी बारह हज़ार आप बारह मुमिन हो अभी बारह सुंदर साथ हो भविष्य में बारह हज़ार की जमात इकट्ठे होंगी और ताबे तुम्हारे होंगे तुम ही हो सिरदार और सभी लोग आपके निक, आपके नीचे होंगे मतलब आपकी छत्रछाया में रहेंगे क्योंकि आगे आने वाले जितने भी सुंदर साथ हुए पांचवें दिन की लीला को समाप्त हुए आज लगभग 300 वर्ष से अधिक हो चुके हैं लेकिन आज भी छठे दिन की लीला में जितने परमहंस हुए हैं जिन्होंने भी बीतक पढ़ी होगी जब भी जिन्होंने भी बीतक सुनी होगी सभी इन बारह सुंदर साथ को अपना अग्रगण्य मानते हैं अपना सिरदार मानते हैं और उनसे सिखापन लेते हैं आज जब भी साथ पन्ना जी पहुंचते हैं सब सुंदर साथ को तो इस विषय में पता नहीं होता कि कौन से परमहंस ब्रह्म मुनि की समाधि कहाँ पर बनाई गई है लेकिन श्री लालदास जी की समाधि के विषय में तो लगभग सभी जानते हैं जो भी उस स्थान पर जाता है तो उनके समर्पण को याद करके वहाँ पर उतनी ही श्रद्धा से सिर झुकाता है उतने ही प्रेम पूर्वक सिर झुकाता है और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि लालदास जी वर्तमान में आपको अगर प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दें और आपको ये कहें कि आपको ये कार्य करना है आप करेंगे कि नहीं करेंगे ताबे होने का क्या तात्पर्य है कि आगे आने वाले जितने भी सुंदरसाथ होंगे वो आपके नीचे रहेंगे मतलब आपकी छत्र छाया में रहेंगे तुम ही हो सिरदार आप सब आप बारह सुंदर साथ ही सबके सिरदार हो इसलिए आज जब भी बारह मुमिनों का प्रसंग आता है बीतक की जैसे ही बात होती है चाहे किसी को अन्य सुंदर का नाम याद हो या ना हो अष्ट प्रहर की लीला का प्रसंग किसी को याद हो या ना हो लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रत्येक सुंदर सात को जो भी बीतक सुनता होगा उनको बारह मुमिनों का याद नाम तो अवश्य ही याद होगा और जिनको नाम याद नहीं होगा उनको सभी उन सभी सुंदर सात को बारह मुमिनों का नाम याद करने लेना चाहिए लेकिन नाम याद करने से महत्वपूर्ण क्या है कि उन्होंने जो रहनी अपनाई है नाम याद कीजिए बहुत अच्छी बात है लेकिन नाम के साथ साथ में उनके काम को याद कीजिए क्योंकि काम से नाम है उनका उनके उनके काम से उनके समर्पण से ही तो उनके नाम को याद किया जाता है ना आप अगर नाम रट भी लें क्योंकि नाम याद करने में कौन सा मुश्किल है लालदास जी शेख बदल चंचल गंगाराम दयाराम बनारसी कायम मुल्ला सोमजी भाई चिंतामणि ये नाम याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बारह लोगों का याद नाम याद करने में कितना समय लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा दस मिनट बारह मिनट इतना लग सकता है किसी को कोई बहुत अल्प बुद्धि वाला होगा वो भी एक घंटे में बारह लोगों के नाम याद कर सकता है लेकिन नाम याद करने से अच्छा है कि आप उन सब सुंदर साथ के द्वारा किए गए समर्पण को हम याद करें और याद करने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने जो राह दिखाई है हमें क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि और ताबे होंगे तुम्हारे तुम ही हो सिरदार सिरदार का मतलब क्या होता है जो सरदार होता है सरदार के पीछे पीछे सारी सेना चलती है ना तो अगर हम किसी को सरदार मान रहे हैं तो उसने जैसा करके दिखाया उस राह पर चलना ही तो उनका मानना है उनका सम्मान करना है इसीलिए हम सब सुंदर साथ को चाहिए कि हम उन सभी सुंदर साथ का सम्मान करें जिन्होंने पाँचवें दिन की लीला में सेवा समर्पण करके दिखाई है और सम्मान का तात्पर्य है। कहते हैं ना कार्य ही पूजा है ऐसा बोलते हैं तो सम्मान जताने का तात्पर्य है कि उन्होंने जैसा सिखाया है जागनी के लिए समर्पण करना वैसा समर्पण हम करके देखें कहते हैं तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो तुम तामे तुम्हारा आवेश इश्क जाहिर होवे बिचकुम कुम और आप अपनी वाणी को क्योंकि ये वाणी अपनी है इनको अब आप ही जाहिर कीजिए अपनी पहचान को आप ही जाहिर कीजिए जैसे अपनी पहचान को जाहिर करने का क्या तात्पर्य इसमें बहुत ही गहरा भाव है इस चौपाई तो में जैसे एक फूल है केवड़े का केवड़े के फूल के विषय में कहते हैं कि इसकी सुगंधि बहुत दूर दूर तक आती है चंदन का वृक्ष है बहुत दूर तक उसकी सुगंध आती है सूर्य अगर उगा हुआ है तो सूर्य को बताने की आवश्यकता नहीं कि सूर्य उगा हुआ है सूर्य अपने प्रकाश के विषय में बताता नहीं है प्रकाश ही स्वयं उसका परिचायक है वैसे ही इस चौपाई में श्रीजी उन सुंदर साथ को सिखापन देते हुए कह रहे हैं कि आपको अपने आप को जाहिर करना है और अपने को जाहिर करने का क्या तात्पर्य है कि ब्रह्म मुनि की रहनी ब्रह्म मुनि की चाल अपनानी है वह चाल अगर अपनाएंगे तो उस चाल से ही उनकी पहचान हो जाएगी किसी की पहचान कैसे होती है प्रत्येक व्यक्ति की आज यहाँ पर अगर बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो कोई व्यक्ति मान लीजिए दो लोग हैं अलग अलग दोनों हमारी तरफ पीठ करके चल रहे हैं जिनको हम नित्य प्रति देखते हैं तो हम चाल से भी पहचान लेते हैं ना कि ये कौन सा व्यक्ति है हम चाल से पहचान लेते हैं वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक यूनिक चाल होती है वैसे ही सुंदर साथ की एक यूनिक चाल है एक रहनी है जो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि की है ब्रह्म सृष्टि की उस रहनी को हर कोई नहीं अपना सकता है इसलिए उस चाल से ही ब्रह्म सृष्टि की पहचान होनी है उस चाल को अगर हमने बाहर प्रकट किया उस चाल को अगर हमें हमने अपनाया तो हम अपने आप स्वयं ही जाहिर हो जाएंगे और अगर हमने उस अपनी अपने आप को जाहिर किया कहते हैं गाम गाम देश देश हिंदू मुसलमान कदम तुम्हारे बंद ही करके पहचान चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो आपकी रहनी देख करके के आपकी सच्चाई को देख करके सब आपके कदमों की पहचान करेंगे सब आपके कदमों की वंदना करेंगे क्योंकि आपने सच्चे धार्मिकता की पहचान दी है क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों की कट्टरता से ऊपर उठ करके हृदय में हिंदुओं की रहनी है क्योंकि हिंदुओं के अंदर कोमलता होती है कहते हैं हिंदुओं की रहनी है और मुसलमानों की वेशभूषा को उन्होंने धारण किया है मुसलमानों को समझाने के लिए तो दोनों को आपने दोनों के बीच में तालमेल बैठाया है अब जितने भी जाहिर हिंदू और मुसलमान होंगे सब आपकी वंदना करेंगे भविष्य में अब आगे श्री जी ने क्या सिखापन दिया है ब्रह्म मुनियों के लिए क्योंकि आगे छोटी पत्री भी है छोटी पत्री के अंदर भी अभी बहुत सारी ऐसी सिखापन है ये पत्री हमें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए है कि श्रीजी ने क्या सिखापन दिया है बाकी जितने भी प्रसंग हैं इस पत्री के अलावा बाकी जितने भी प्रसंग हैं, उसमें श्री लालदास जी ने घटनाक्रम वर्णित किया है उन घटनाक्रमों के माध्यम से हमें इनडायरेक्ट रूप से परोक्ष रूप से सिखापन मिल रही है प्राप्त हो रही है लेकिन इस पत्री के माध्यम से श्री जी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सिखापन दे रहे हैं कि सुंदर साथ को कैसे कैसे करना चाहिए बाकी चौपाइयाँ श्री लालदास जी के शब्द हैं लेकिन ये जो बड़ी पत्री और छोटी पत्री का प्रसंग है ये श्री जी के स्वयं के शब्द हैं इसीलिए वैसे तो ब्रह्म में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है हमें भेदभाव करना नहीं है लेकिन एक फिर भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात हो जाती है एक कसर रह जाती है तो हमें अगर ऐसा लगता है कि दोनों में भेद है तब भी ये समझ करके सिखापन लीजिए कि ये राज्य ने प्रत्यक्ष रूप से बात कही है और दूसरी राज्य ने ही परोक्ष रूप से कहलाई है दोनों में कोई भेद नहीं जैसे कह रहे हैं ना जैसा मारना पैगम्बर तैसा उनके यार तो दोनों में कोई भेद नहीं हमें दोनों की बात को शिक्षा लेनी है और इसको तो विशेष रूप से इसलिए लेनी है कि श्री जी ने सीधे तौर पर हम सब ब्रह्म सृष्टियों को सिखापन दी है तो इस सिखापन को हम ग्रहण करें आगे जो सिखापन श्री जी ने दी है उसकी चर्चा सुनेंगे कल अब समय पूरा होता है चौपह दोराइए गाम गाम देश देश, गाम गाम देश, देश।, गाम देश, देश। हिंदू मुसलमान कदम तुम्हारे बंद ही करके पहचान करके पहचान बोलो श्री प्राणनाथ प्यार